हेलो स्टूडेंट्स, जय सी एल सी। आज हम बात करने जा रहे हैं वेव्स एंड साउंड का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने कंसीडर किया है स्ट्रिंग, ऑर्गन पाइप्स एंड डॉपलर इफेक्ट। इसमें हमने अप्रोक्स 40 प्रॉब्लम को कंसीडर किया है, जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे इंक्लूड की गई है। मैं हूँ सुखदेव सोलंकी सर, और मेरे साथ हैं किशोर सिंह शेखावत। तो सर स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें दे रखी है, क्या बोला है ना, इन स्टेशनरी वेव्स ऑल पार्टिकल्स बिटवीन नोड्स पासेस थ्रू द मीन पोजिशन। तो इसमें थोड़ा सा इनको स्टेशनरी वेव के बारे में बता दिया जाए। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए नोड्स, एंटी नोड्स, कहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है, कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये सारी चीजें बता दी जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। उसी से सारा टॉपिक आपका इजी हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम को इजी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप थोड़ा सा फोटो बना के बच्चों को अच्छे से बता दें। मैं बताऊँ या बता रहे हो आप? एजुएस देखो, आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप करो इसको। चलो हाँ, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्टेशनरी वेव का जो फॉर्मेशन होता है वो टू प्रोग्रेसिव वेव से होगा। अब दोनों प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम में ऐसे कुछ सुपरपोज हो रही। अब सुपरपोज होगी तो हमने कहा अपोजिट डायरेक्शन में, प्रोग्रेसिव वेव तो बच्चा जानता है। बिल्कुल। और यहाँ पे मीडियम पार्टिकल से, और मीडियम पार्टिकल में हम कहेंगे कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट करेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल को हमने क्या बोला, एंटीनोड बोला। आप कहेंगे एंटीनोड। और कुछ पार्टिकल्स हम कहेंगे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट करेंगे, उसको हमने बोला है नोड बोला है। ऐसे कुछ हम कहेंगे कुछ पार्टिकल्स अगेन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ चले जाएंगे, कुछ मिनिमम के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ से अगर वेव को मैं बात करूंगा तो वेव जो मुझे मिलेगी ऐसा कुछ, कुछ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो मुझे मिलेगा ऐसा कुछ मिल जाएगा। ऐसे कुछ मिलेगा सर। तो यहां से हम देखेंगे कि कुछ पार्टिकल्स है जो मीडियम पार्टिकल है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, और कुछ आप कहेंगे मिनिमम के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यहां से आप देखेंगे तो हमें जो मिलता है, यहां से एक वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऐसे कुछ एक वेव फॉर्म होगी। ये जो ऐसा कुछ वेव फॉर्म होगी, ऐसे कुछ एक वेव फॉर्म होगी। अब इसका अपोजिट देखेंगे तो ऐसे कुछ हम कहेंगे अपोजिट में भी वेव फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मिलेगा, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स है उसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम मिला। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो उसको हमने बोला ये नोड पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट पे जो मिला पार्टिकल, उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, उसको हमने बोला एंटी नोड, उसको हमने बोला एंटी नोड। और यहाँ पे हम देखेंगे रिजिड एंड पे, तो रिजिड एंड पे यहाँ पे जो मिला है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, तो ये नोड फॉर्म हो गया, ये भी नोड फॉर्म हो गया। और यहाँ पे एक वन वेव कंप्लीट होगी, और वन वेव कंप्लीट होगी तो सारे पार्टिकल्स मीन पोजिशन के अलॉन्ग वाइब्रेट करें, मीन पोजिशन के अलॉन्ग वाइब्रेट करें, और सबका टाइम पीरियड इसमें इक्वल मिल गया। टाइम पीरियड जो मेरा सबका वो इक्वल मिल गया, बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम और मैक्सिमा से देखेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें जो मिला है वो मिल जाएगा ए वन प्लस ए टू मिल जाएगा, और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा ए वन माइनस ए टू आपको मिल जाएगा, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम मिलेगी, और इसकी वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, वेलोसिटी भी मिनिमम मिलेगी। तो ऐसे कुछ वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा, सारे पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा बट टाइम पीरियड सेम होगा। टाइम पीरियड सेम होने से एंगुलर वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, हमें सेम मिलेगी। तो हम कहेंगे वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, ओमेगा सेम है बट एम्पलीट्यूड अलग है, तो वेलोसिटी भी अलग अलग मिल जाएगी और टाइम पीरियड आपको इक्वल मिलेगा। बट कंप्लीट वेव फॉर्मेशन आप देखेंगे तो टू टाइम्स पे सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजिशन पे आ जाते, मीन पोजिशन पे आ जाते। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी नॉट पॉइंट है, नॉट पे हम कहेंगे यहाँ पे मैंने ट्रांसवर्स वेव को शो किया है। अगर लॉन्गिट्यूडल वेव को हम शो करेंगे तो जितने भी नॉट पॉइंट है वहां पे प्रेशर में चेंजेस मैक्सिमम मिलता है। प्रेशर में जो चेंजेस होगा वो मैक्सिमम कहाँ होगा, नॉट पे होगा। और प्रेशर में चेंजेस मैक्सिमम होगा तो हम कहेंगे स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा मैक्सिमम कहाँ प्रोड्यूस होगा, नॉट पे प्रोड्यूस होगा। इतनी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आगे और बताते रहेंगे। अब प्रॉब्लम को टिक करते हैं। इन्होंने बोला इन स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स पासेस थ्रू द मीन पोजिशन। आपने कहा बिटवीन टू नोड पासेस थ्रू मीन पोजिशन, और मीन पोजिशन से अगर पास करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सबका एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट मिला है। तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट, आपने कहा डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, बट टाइम पीरियड क्या मिलना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे दे रखा है एट डिफरेंट टाइम्स विथ डिफरेंट वेलोसिटीज ना, एट डिफरेंट टाइम्स विथ सेम वेलोसिटी ना, एट द सेम टाइम विथ इक्वल वेलोसिटी ना,
एट द सेम टाइम विथ डिफरेंट वेलोसिटी। हम कहेंगे सारे पार्टिकल सेम टाइम पे पास करेंगे बट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। यस सर, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जैसे कॉमन रूप में जैसे अपन ये कहें, जैसे आपने एक्सप्लेन करा कि मान लो अपन ने यहाँ से कोई एक पल्स जनरेट करी, वो पल्स यहाँ से मूव होते हुए यहाँ जाएगी, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो एक रिफ्लेक्टेड वेव बनी, वो जो इंसिडेंट वेव थी उसके साथ उसने किया सुपर इम्पोज, और सुपर इम्पोज में जो रिजल्टेंट आपकी वेव बन गई उसको अपने नाम दे दिया स्टैंडिंग वेव। जी बिल्कुल। अब स्टैंडिंग वेव में जैसे बेसिकली होता क्या सर, जैसे अपन इसको बेसिकली बात करें कि मान लो ये अपने पास एक वेव है, जी ये वेव दूसरा है, बिल्कुल बिल्कुल, अब इस रूप में है तो ये इस तरह से मूव करते हैं। यस बिल्कुल, ये सब मेन पोजिशन पे आगे। हाँ, पर अब देखो सब मेन पोजिशन पे है, फिर यूं मूव करेंगे अगले इंस्टेंट पे वापस एक्शन पे चलेंगे। अब तो इस तरह से मोशन करेंगे तो पार्टिकल जैसे सारे ये पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, जो ये वाला पार्टिकल है जिसको अपने नाम दिया एंटीनोड या बृहस्पति जिसको हिंदी में कहते हैं, जी इसका डिस्प्लेसमेंट या जो अपन कह रहे हैं एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम मिला, यानी आप देखो सारे पार्टिकल्स अलग अलग आयामों से गति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि सभी के कोणीय चाल बराबर है, बिल्कुल, अब गुण चल बराबर है, आयाम सबके अलग अलग, सभी की मैक्सिमम वेलोसिटी अलग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। अब हुआ क्या कि जब ये यहां से एक संगति करना शुरू करें मैक्सिमम से और साथ और एक ही टाइम पे मीन पोजिशन पार कर रहे हैं, तो जब मीन पोजिशन को पार कर रहे हैं तब सबकी स्पीड कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, पर एक स्थान पर है, एक ही समय पर है, बिल्कुल, ये इसमें बड़ी विशेषता है। इसलिए आराम से अपन कह सकते हैं कि सारे एक ही टाइम पर और भिन्न भिन्न स्पीड से इसको क्रॉस करेंगे। बिल्कुल। और बाकी जैसे अपन ये यहाँ से छोटी मोटी बातें आप सब और इसको बताना चाहें तो अपन जानते हैं कि एक पल्स पूरी हो गई, एक पल्स इस पल्स में यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, हाँ, तो नेट नोड और एंड नोड के बीच कुछ डिस्टेंस भी अपन यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल, हम कहेंगे यहाँ पे एक पल्स कंप्लीट जनरेट हो गया तो ये डिस्टेंस जो मिली है वो लैम्ब्डा के इक्वल मिल गया। तो डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग नोड की बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन नोड टू नोड जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा लैम्ब्डा बाई टू मिल जाएगा, और हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग एंटी नोड एंड एंटी नोड वो भी आपको लैम्ब्डा बाई टू मिल जाएगा। हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग नोड एंड एंटी नोड जो मिलेगा वो लैम्ब्डा बाई फोर आपको मिल जाता है, ऐसे कुछ मिल जाता है। इसमें अगर हम फेज की भी बात करें तो फेज भी आपको मिल जाता है। आप कहेंगे नोड के करस्पॉन्डिंग दोनों और हम पार्टिकल देखेंगे तो ये डिफरेंट फेज में वाइब्रेट होंगे, बट आप कहेंगे एंटी नोड के करस्पॉन्डिंग हम पार्टिकल्स को देंगे तो सेम फेज में वाइब्रेट होंगे। आप कहेंगे ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग नोड वाइब्रेट इन सेम फेज, और आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग नोड पार्टिकल्स और पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज, तो फेज की बात भी हम कर सकते हैं, फेज भी सेम मिलेगा। बट एक चीज इसमें और है, ये स्टेशनरी वेव जो रिजल्टेंट वेव इसको हमने प्रोग्रेसिव वेव से देखा है, पर रिजल्टेंट वेव जो मिलेगी ऐसे कुछ रिजल्टेंट वेव आपको मिली जैसे आपने हाथ से ऐसे देखा है, तो रिजल्टेंट वेव का जो स्पीड मिलेगा वो जीरो मिलेगा, वो तो मूव नहीं करेगा ना, हाँ मूव ही नहीं करेगा, वो जीरो मिल जाएगा। उसमें वह कैसा जैसे आपका नोड वाला पॉइंट है ये तो परमानेंट रेस्ट में है, रेस्ट में आ गया, बिल्कुल। जब ये रेस्ट में है तो इस वाले पार्टिकल्स और उधर वाले जो पार्टिकल्स हैं इसका मोमेंटम और एनर्जी वो इस तरफ मूव नहीं करेगा और इस वाला इस तरफ मूव नहीं करेगा। और ये जो अपन कहते हैं सर जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस होता है, जी जी जी, वहां जब अपन उसको जो बोर मॉडल है उसको अपन करते हैं एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज उसको मिली यहीं से, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है अपने ऑर्बिट के अंदर तो क्या करता है वो अपने साथ जो बनाता है मैटर वेव्स, बिल्कुल, तो मैटर वेव जो बनती है उसके साथ वहां खेल ये चलता है, वो अपनी ऑर्बिट के साथ बनाती है स्टैंडिंग वेव, बिल्कुल। बट बोर को ये पता नहीं था, हाँ बोर ने तो ऐसे ही उन्होंने दोनों को कोरिलेटेड कर दिया, फिर डी ब्रोगली ने बोला था कि बोर ने ऐसा क्या उसका ऐसा ये उसको हेल्प मिल गई ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका हर कह रहा है कि भी जब नोड है उसके दोनों तरफ की एनर्जी कैसे कंजर्व है वो ट्रांसफर नहीं होती, लॉस ही नहीं होता, बिल्कुल लॉस नहीं होता। तो इसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर नोड के दोनों तरफ जो एनर्जी है, यहाँ अपन जैसे कहते हैं एनर्जी दो वेव के दो टाइप कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी आपका प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव या स्टैंडिंग वेव नाम देते हैं, तो बेस उसका कैसा एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। तो अपन जानते हैं कि प्रगामी जो तरंगें होती है वहां तो एनर्जी ट्रांसफर करती है, मोमेंटम ट्रांसफर करता है, पर इसमें मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, ट्रांसफर नहीं करती, बट एनर्जी और मोमेंटम यहां पे ऑसिलेट करता है मीडियम में। यस यस, पर हां दो नोड के बीच, बस मीड के बीच में ऑसिलेट करेगा। एक बात और आपने बोला कि इन इस तरफ या इन सारे पार्टिकल के सेम फेज है, जी इनकी भी सेम फेज है, बिल्कुल, नोड के दोनों तरफ कैसा अपोजिट फेज है, बस ये कुछ खास बातें थी। एक अपने हुई का कोई दिक्कत नहीं, नोड नोड लैम्ब्डा बाय 2, एंटी नोड लैम्ब्डा बाय 2, पर दो दो बिल्कुल पास पास के एंटी नोड और नोड उनके बीच दूरी कितनी होती है, लैम्ब्डा बाय 4 होती। बाकी जैसे अपन जनरेट करेंगे क्वेश्चंस में, जैसे अपन इसको जब काम में लेंगे सर से, तो अपन बेसिकली बात कर ले, मान लो हमारे पास बहुत से लूप बन रहे हैं ऐसे,
तो ये लूप जो बन गए यहीं से आपके क्वेश्चंस है वो बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे अपन लैम्डा बाय 2 है, जी जी बिल्कुल, अब पक्का रखो। फिर अपने जैसे यहाँ अपन ने बात की, ये जो एंड आपका है दो टाइप्स होता है, फ्री और रिजिड। रिजिड तो अगर इसको ऊपर लेते हैं रिजिड, तब तो नोड बनेगा, नोड नोड बनेगा, और फ्री होने पे क्या बनेगा, एंड नोड। तो बस अब आगे वाला किसको लेना है, मुझे इसको इतना ही लेना है मान लो, या मुझे यहां से स्टार्ट करना है, वो बस क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, उसको पर लेकर के मान लो कितने लूप बने अपने, एक लूप में है, दो लूप में है, तीन लूप में है, उस लूप में फिर कौन बना करके अपने उसको, बिल्कुल बिल्कुल लूप या हार्मोनिक सरादी जो भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम बढ़े आगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर अपन बिल्कुल अच्छे से अधिकारपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। बिल्कुल, अब तो बच्चा बोलेगा फोर्थ आएगा। बिल्कुल जी, नेक्स्ट। अब देखो ये लूप वाली बात आ गई ना, देखो हाँ यहाँ पे देखो डोरी है, डोरी में पांच लूप बनते हैं, तो सबसे पहले एक डोरी बना देते हैं। बिल्कुल, और डोरी का लेंथ जो भी दे रखा है, ये डोरी है और डोरी का लेंथ हमें दे रखा है 5 सेगमेंट है और 10 मीटर लॉन्ग है। 5 सेगमेंट के लिए सबसे पहले 1, 2, 3, 4 एंड 5 लूप आप कंप्लीट करेंगे। 5 लूप जैसे कंप्लीट हुए, हम कहेंगे यहाँ पे जो एक लूप का डिस्टेंस अभी सर ने बताया था लैम्डा बाय 2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 × λ/2, और ये किसके इक्वल होगा, 10 मीटर लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो हमें जो मिलेगा 5 λ/2 = 10 mm। इन्होंने पूछा हमें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए पहले लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, और लैम्डा जो आपको मिला है लैम्डा इक्वल्स टू 4 मीटर मिला, लैम्डा 4 मीटर मिला, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बना देते हैं, v इक्वल टू n लैम्डा, n लैम्डा, n हमारे पास कितना, v अपॉन लैम्डा, v हमारे को दे रखा कितना सर, 20 अपॉन 4, तो 5 मीटर पर सेकंड, 5 हर्ट्ज, तो 5 हर्ट्ज हमें मिल जाएगा सर, सेकंड, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़े, सेट है, बिल्कुल बिल्कुल, चल। तो ये आगे आप जो अपने सोनोमीटर वगैरह पर बात करते हैं, स्ट्रिंग वाली, स्ट्रिंग की बात, उस वाले में जो मेन फॉर्मूले की पर बात कर दो पहले सर। जैसे हमारे पास जो मेन, जैसे अपने पास से ये कोई स्ट्रिंग है और इसको अपने किसी पुली से फिक्स कर रखा है, यहाँ अपने कोई मास है कैपिटल है उसको अपने हैंग कर रखा है, जी जी, और ये मान लो अपने कोई दो बेस है, इनसे अपन ये लेंथ है जिसमें अपन ये वेव अपन जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये जो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास मान लो यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल एल है, जी जी बिल्कुल क्लियर, और एम अपन यहाँ वेट लटका रखा है, तो ऐसे भी इसमें जो नीचे फोर्स लगा आपका mg, तो टेंशन टी हमारे पास जनरेट हो गया mg के इक्वल हो गया। अब ऐसे में कोई भी पल्स अपन यहाँ प्रोड्यूस करके उसको अपन छोड़ेंगे तो यहाँ से मूव करते वापस रिफ्लेक्ट होगी और क्या बनाएंगे, सेंडिंग में बना देंगे, तो और जो सोनोमीटर होता है इसी पे काम करता है। बिल्कुल, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है p/2l और √t/m, क्लियर। यहाँ पी तो नंबर ऑफ पल्सेस हैं, कितने पल्स अपन कर रखे हैं, 2-3 नंबर ऑफ लूप है, नंबर ऑफ पल्सेस की इफेक्टिवनेस जो अपन इसमें काम कर रहे हैं, टी यहाँ पे इसका टेंशन फोर्स, और टी है कितना, कैपिटल एम जी है, एम जी के बराबर है। अच्छा, स्मॉल एम सर अपन जानते हैं वो क्या है, वो है मास डेंसिटी, इसका पर यूनिट लेंथ मास यानी इकाई लंबाई की इसकी द्रव्यमान की वैल्यू। बिल्कुल, तो स्मॉल एम इसके लिए डिफाइन करना है ना, तो स्मॉल एम वैसे हुआ क्या, देखो स्मॉल एम बन गया आपका इसका मास अपॉन लेंथ, इस रस्सी का मास किसको बोल दो एम नॉट, ये अबाउट बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको मैं करूं m बाई इसकी लंबाई स्मॉल l, जी। अब मान लो जो हमारे पास ये वायर है, इस वायर को मैं मान लो कि वायर मेरे पास है सिलेंड्रिकल वायर मान लो इसको, बिल्कुल सिलेंड्रिकल, इसमें इसकी रेडियस भी इंपॉर्टेंट होगी, इसकी लेंथ भी इंपॉर्टेंट होगी और इसका प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसकी डेंसिटी रो मान लो, जी। तो रो मानते मेरे पास यहां देखो ये बन गया मास, तो बोलता हूं रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर इनटू एल, जी अपॉन लेंथ, एल एल से एल कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल स्मॉल मेरे पास आके कैपिटल एम, सॉरी आपका रो पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल, तो इसको आप सर आगे बढ़ाओ, देखो फार्मूला जो मिला हमें एन इज इक्वल्स टू पी अपॉन में 2l r रूट ऑफ टी अपॉन में r रो पाई आर आर स्क्वायर, ऐसे कुछ मिलेगा। बिल्कुल, अब आर को अपन बाहर ले सकते हैं, आर को बाहर निकाल देंगे तब आपको मिल जाएगा पी अपॉन में 2l 2l r square r 2lr r square हो गया ना, वापस लिख दो पूरा ही, हाँ ठीक है, अब सही 2lr r root d upon rho pi rho pi। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, आप थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के लिए, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम यहां से पूछी जाएगी कि गिटार में जो स्क्रू लगे होते उससे फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, तो स्क्रू से हमने टेंशन बढ़ाया, टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अब आपसे पूछेंगे गिटार का जो वायर है उसकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो गिटार का वायर या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वायर हम इस तरह के मटेरियल का बनाते हैं जिसकी डेंसिटी मिनिमम। अब डेंसिटी मिनिमम होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी,
और डेंसिटी मिनिमम करने के लिए हम कहेंगे वायर जो है उसका मटेरियल भी चेंज कर दिया और वायर को होलो कंसीडर करेंगे, होलो बनाएंगे तो आपने उसका मास और कम हो जाएगा, डेंसिटी और कम हो जाएगा, तो वहां से थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बनेगी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत प्यारी बनेगी। काफी सारे जो डिपेंडेंस के क्वेश्चंस वगैरह हैं, डिपेंडेंसी के आपने लेंथ को वेरी करा है या डेंसिटी को वेरी करा, इस क्वेश्चन लिखना होता है जी जी, कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, कौन सी वेरी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं कौन कौन सी बदली है, उसकी पहले बनाओ इक्वेशन दूसरी बनाओ और पहले दूसरे भाग टिकाओ, बिल्कुल इस तरह से इस क्वेश्चन मिल जाएगा, क्लियर करते हैं जी। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बिल्कुल सर फॉर्मूला आपने मुझे दे दिया है, यस अब इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर देता हूँ, यस तो इन्होंने जो दे रखा है दो डोरिया है, टू स्ट्रेस वायर ऑफ लेंथ ln 2l है और टेंशन आपने tn 40 है, दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो सारी चीजें सेम कर दो तो चेंज क्या हो रहा है, तो n दैट्स इक्वल टू हमें मिलेगा 1 अपॉन l √t, दूसरी क्वांटिटी तो कांस्टेंट होगी, तो यहां से n1 और n2 का रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो जो मिलेगा l2 अपॉन में l1 √ ऑफ t1 अपॉन में t2। अब रेशियो जैसे हम पुट करेंगे, लेंथ का रेशियो 1:2 दे रखा है तो हम कहेंगे यहां से 2l अपॉन में l और टेंशन का रेशियो 4:1:4 दे रखा है, तो आप कहेंगे tn 4t, तो यहां से आप देखेंगे t से t कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, 1:1, क्या सर आंसर 1:1 आ रहा है, आंसर थर्ड, चलो गुड बढ़िया गए बिल्कुल यस। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, हाँ ये भी प्यारी प्रॉब्लम है, यहाँ पे टेंशन को हमें रिप्लेस करने पड़ेगा हैंगिंग मास से, बिल्कुल दो तो फॉर्मूला, हाँ जो फॉर्मूला अभी सर ने जो बताया वो जो एम का मास इन्होंने पूछा है, फर्स्ट कंडीशन फॉर्मूला कंप्लीट एक बार राइट कर लेता हूं मैं, टी इज इक्वल्स टू पी अपॉन में 2l r √ ऑफ t अपॉन में स्मॉल m ले लेते हैं, बिल्कुल अब t जो है यहाँ पे ये हैंगिंग मास है, t जो प्रोड्यूस करेगा टेंशन ये हैंगिंग मास प्रोड्यूस करेगा, तो हैंगिंग मास को चेंज करेंगे, इन्होंने जो बोला हमें अ सोनोमीटर वायर रेजोनेट विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर फॉर्मिंग स्टैटिक वेव विद 5 एंटीनोड बिटवीन टू ब्रिज, 5 एंटीनोड का मतलब नंबर ऑफ लूप 5 आपको मिल गए, पी आपको वैल्यू दे रखी है यहां पे, बाय अ मास एम द वायर रेजोनेट विद द सेम ट्यूनिंग फॉर रिमेनिंग 3 एंटीनोड फॉर्मिंग 3 एंटीनोड फॉर द सेम पोजीशन ऑफ ब्रिजेस द एम विल बी, तो यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, फ्रीक्वेंसी सेम कर ली, सेम रखी है, ब्रिज सेम है तो लेंथ सेम है, वायर सेम है तो सब कुछ सेम है, यहाँ पे चेंज हो रहा है नंबर ऑफ लूप एंड टेंशन, तो यहाँ से जो फॉर्मूली सर हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, पी रूट टी बराबर कॉन्स्टेंट, पी रूट टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और टी को मैं रिप्लेस कर दू द्रव्यमान से मास से, तो पी आर रूट एम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसको लॉ ऑफ लूप भी बोलते हैं, यस यस, तो यहां से हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे P2 अपॉन में P1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ M1 अपॉन में M2, ऐसे कुछ मिल गया, बिल्कुल, और जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे यहां से तो वैल्यू पुट करने पे फाइनल एंटीनोड 3 है तो नंबर ऑफ लूप, एंटीनोड का मतलब समझाया था, वापस से बता दे आपको कि एंटीनोड का मीनिंग क्या हो रहा, 1 एंटीनोड 2 एंटीनोड 3 एंटीनोड 4 एंटीनोड 5 एंटीनोड, तो एंटीनोड का मीनिंग यहां पे नंबर ऑफ लूप से हुआ, ये एंटीनोड एक लूप बनेगा, 2 लूप बनेगा, 3 लूप बनेगा, 4 लूप बनेगा, 5 लूप बन जाएगा, तो P2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3, बाद में 3 लूप बन रहे हैं और पहले कितने लूप बन रहे थे, पहले बन रहे थे 5 लूप, 5 इज इक्वल्स टू पहले जो मास आपको दे रखा था M1 वो 9 kg था और बाद में जो हमें मास मिला वो M kg, ऐसे कुछ, तो यहां से स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड 3 से 9 कैंसिल आउट कर दो मैं तो मुझे जो आपने कहा सीधे सीधे मिल जाएगा, हाँ सीधे सीधे कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट होगा, एम का स्क्वायर करेंगे तो एम इज इक्वल्स टू 25 kg, और इसका आंसर जो मिलना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। बच्चे का यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है एंटीनोड को लेकर, एंटीनोड एक एंटीनोड फॉर्म होने का मतलब एक लूप बन जाए, एक पल्स बन जाएगी, एक लूप आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। ये प्रॉब्लम अपन एक जो इससे पहले वाला था वेव फर्स्ट हाउस में अपन डिस्कस किया था, हाँ जो ट्यूनिंग फोर्स है उनके अंदर जो वेव बनती है वो तो आपकी बनती है स्टैंडिंग वेव, जी बिल्कुल, और उसमें जो तार वाले या वाद्य यंत्र होते हैं उन सब में बनती है आपकी कौन सी, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग, जी जी, और जो भी आपके होते हैं एयर कॉलम वाले, जी जी, वहां बनती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल और स्टैंडिंग वेव, जी, पर उन सब से जो बनने के बाद अपने एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारे पास जो पहुंचती है, मीडियम में जो प्रोपोगेट करती है, जिसको हम सुनते हैं जिसको अपन सुनते हैं, वो आपकी कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल आपकी प्रोग्रेसिव होती है, प्रोग्रेसिव होती है बिल्कुल, वो तो बिल्कुल अपने बात की थी, इसका आंसर क्या आना चाहिए, जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, देखो
तने बता कि एप्रल में तरंग का समीकरण आपको दे रखा है एक्स वाई दे रखा है अपने सेंटीमीटर में टी सेकंड में, तो दो आसन निष्पंदों के बीच दूरी तो अपन जानते हैं लैम्डा बाय 2 होगी। जी जी जी, तो लैम्डा कहां छुपा हुआ है? लैम्डा के में छुपा हुआ है, kx है। जी जी, तो ये लो सर, kx होगा 2 पाई, k हमारे पास है k यानी 2 पाई बाय लैम्डा इन kx इज इक्वल टू अपना वैल्यू है यहां पे पाई x बाय 3 3, तो पाई से पाई उड़ा दो, x x चला गया, x से x उड़ा दो, लैम्डा कितना हुआ 6। जी तो लैम्डा 6 हो चुका, तो हमें निकालना है दो आसन यानी जो निकटवर्ती निष्पंद है उनके बीच लैम्डा बाय 2 अगर लैम्डा हमारे पास 6 तो कितना आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर टिक कर दो। यस जी, ये भी फिर अलग उस तरह से क्वेश्चन आया। देखो इसमें मैं जो क्वेश्चन अभी पर देखा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहीं ए साइन लिखा है, ए कोस लिखा है, या के एक्स माइनस ओमेगा टी है, या ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ भी लिखा है अपने को, मैं जो इस क्वेश्चन को करने के जो दौरान ध्यान क्या रखना है वो अपन बच्चों को बढ़िया से समझा देना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वेव रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन वाई इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी इज सुपरपोज्ड विद अनदर वेव टू फॉर्म ए स्टेशनरी वेव such that the point x equal to 0 is a node, ये बात पकड़ने वाली है। हाँ, ये जो अपने से कहना चाह रहा है कि x equal to 0 पे node form हो रहा, that is reflecting surface जो है कैसी है? Rigid, rigid है। यानी इस point की जो particle है, they are not free to oscillate। जी बिल्कुल, बिल्कुल fix कर रखे हैं। Fixed, यानी एक तरह से रस्सी का दृढ़ सिरा है। बिल्कुल। और air column का close, close यानी इस तरह से अपन लेवल चुनना पड़ेगा। तो मान लो सर, इसकी अपन बात करें, ये वेव आ रही है यहाँ से ना, कि वे मान लो यहां से मोशन करते हुए आ रही है और यहां इसका रिफ्लेक्शन हुआ। जी, जहां इसका रिफ्लेक्शन हुआ वो निश्चित रूप से आपका कौन सा है? आपने कहा ये तो है सर रिजिड एंड है, इसलिए रिजिड एंड होने पर यहां y इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा? निष्पंद बनेगा, निष्पंद बनेगा। अब निष्पंद बनेगा तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन कहां हो गया? रिजिड से हो गया, रिजिड से हो गया। अब रिफ्लेक्शन की अपन बात करते हैं तो दो तरह से रिफ्लेक्शन हुआ करता है, ये तो फ्री केस होता है, आपका रिजिड होता है। अब बड़ी कॉमन सी बात है कि रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, डायरेक्शन तो हमेशा रिवर्स होगी। हाँ, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो ऐसे इन सारी इक्वेशंस में जहां भी एक्स लिखा है, तो जैसे आप इसकी रिफ्लेक्टेड वेव बनाते हैं तो एक्स के स्थान पे तो माइनस एक्स लिख दो। बिल्कुल बिल्कुल, पहला काम बिल्कुल, यानी अपना स्टेप समझने मान लो इस बात पे। तो कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, फ्री से हो चाहे रिजिड से, एक काम तो करना कि एक्स को आपको जैसा भी है कहीं पर भी है उसको जस्ट अपोजिट करना, माइनस एक्स का। दूसरी बात यह है कि अगर वो फ्री से हो रहा है कि रिजिड से, वहां आता है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस की बात यह है कि अगर वेव कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है? रिजिड से, तो फेज का डिफरेंस आएगा पाई का। अगर फ्री से है, देयर इज नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस आएगा नहीं, सेम फेज ऑप्शन। कहां से हो रहा है सर? रिजिड से हो रहा है। जी, इसका मतलब हमारे पास जो वेव आ रही थी उसकी इक्वेशन हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास है वाई इज इक्वल टू ए कॉस ए कॉस के एक्स के एक्स और माइनस का ओमेगा टी टी है। क्लियर, इसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट वेव। जी, अब वाई डैश जो मैं कह दूं ये रिफ्लेक्टेड वेव है, अपन मान ले ये कैसा बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक है। जी, इसका मतलब जो यहां जैसे रिफ्लेक्शन हुआ तो लॉस ऑफ एनर्जी अपन मान ले जीरो जीरो, और ऐसे में लॉस ऑफ एनर्जी से यहां इंटेंसिटी प्रभावित होती है। अब बात आती है कोस की, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला कि के साथ एक्स यहाँ पे, तो आपको माइनस एक्स है ना, दिशा को रिप्रेजेंट करने लगाना पड़ेगा। जी, कोई इश्यू नहीं, माइनस का ओमेगा टी आपको दरअसल क्वेश्चन को छेड़खानी नहीं करनी है। जी, जी, अच्छा रिजल्ट से हो रहा, तो इसका फेज डिफरेंस कितना पाई हो गया प्लस का। जी जी, ये लो, अब कोस और साइन की मेन प्रॉपर्टी अपन को आनी चाहिए। बिल्कुल, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लू, जी, तो देखो यदि मैं यहाँ माइनस कॉमन लेता हूँ तो ए कोस, मैंने माइनस कॉमन लिया, दोनों तो माइनस कितने प्लस हो गए, के एक्स प्लस ओमेगा टी, और ये होगा माइनस का फाइव पाई। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि माइनस, अपन जानते हैं कि कोस माइनस का थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। जी बिल्कुल, पर साइन में होता है माइनस साइन, माइनस टेन पे माइनस होता है माइनस। तो अगर मैं इस माइनस को इस थ्योरम से या इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करता हूं तो माइनस तो यहां बाहर आया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब माइनस को हटा दो यहां से। जी जी, इसको यहीं से हटा सकते हो, इसको ध्यान रखते हुए। अब ये पाई का फेज डिफरेंस है, ये पाई का फेज डिफरेंस अपन ने लिया है, तो इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देना। पाई का फेज डिफरेंस सीरीज से हम कहेंगे जस्ट अपोजिट हो जाएगा,
अगर हम वैल्यू पुट करेंगे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट जैसे अपन अभी कर रहे थे, तो जो कोस अपने पास होता ना वेक्टर सर, तो कोस में थीटा जो है उसके साथ पाई आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस, ये हमेशा अपना फॉर्म उसको प्लस से माइनस कर देता है। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ हमारे पास है ए प्लस के साथ में कोस, तो इसको हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, माइनस का ए और ये कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, इसका फाइनल आंसर बिल्कुल अपोजिट फेज हो गया, तो अपोजिट फेज को हमने साइन में देखा है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। बस बच्चे ऐसे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उसको प्लस होता है जी जी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस के साथ हो चाहे कोस, अब ये सब में लागू है, कोस हो चाहे आपका साइन है जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अपन पाई, 3 पाई या 7 पाई ऐसे ओड नंबर में ऐड करते हैं या डिफरेंस करते हैं जी जी, तो आप प्लस के रूप में उसको हटा सकते हो और माइनस आप यहां ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और माइनस को तो पाई ला सकते हो जी, और कैसे दोनों रूप में ला सकते हो, बिल्कुल प्लस में या माइनस में, कुछ भी उसी डिपार्टमेंट है उस हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर हमारा कौन सा जाना चाहिए, सेकंड आंसर इसका चला गया सेकंड सर, तो माइनस ए कोस ओमेगा टी के एक्स प्लस जी ओमेगा टी। तो बच्चों एक तो ध्यान रखना है, कहीं इसी की ग्रहण अवस्था नहीं है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स है कि के एक्स माइनस ओमेगा टी है, दोनों प्लस के माइनस, अपन तो जानते हैं एक्स को माइनस करना है और थोड़ी सी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगानी है। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सर, बढ़िया आगे ये बिल्कुल ओके। ये भी प्यारी प्रॉब्लम दे रखी है, फोर वाइड्स ऑफ आइडेंटिकल लेंथ, लेंथ आइडेंटिकल लेंथ इक्वल दे रखी है, डायमीटर of the same material are stretched on the sonometer wire if the ratio of their tension is, अब diameter same दे रखा, material same दे रखा, length same दे रखी, यहाँ पे only change क्या जा रहा है, tension, the ratio of their fundamental frequency, तो fundamental frequency का formula जो हमें मिला था with derivation आपको बताया था, P upon में 2L root of T upon में M, और M को replace करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, M को replace करने पे R pi R square, तो मेटेरियल सेम है, पाई सेम हो जाएगा, रेडियस आपको सेम दे रखी है, लेंथ आपको सेम दे रखी है, हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो पी इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 लूप बन जाएगा, तो एन जो मेरा है डच इक्वल टू रूट टी मिल जाएगा, हम कहेंगे रूट टी का जो रेशियो मिलेगा वही फ्रीक्वेंसी का रेशियो मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो टी का रेशियो जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1:4:9:16, तो हम कहेंगे 1:2:9:3:4 इसमें आपको मिल जाएगा, तो आंसर जो हमारा जाना चाहिए 4 जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई इसमें कुछ है ही नहीं जी 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 बिल्कुल, बढ़िया जी सर ओके। ये भी प्यारी प्रॉब्लम दे रखी है, अ स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट बोथ एंड कैन सस्टेन स्टेशनरी वेव्स वेवलेंथ एल गिवन बाय, अब वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करना, हम कहेंगे एक स्ट्रेस स्ट्रिंग है जिसका लेंथ आपको एल दे रखा है और यहाँ पे जो है फिक्स एट बोथ सस्टेन वेव लेंथ लैम्डा इज गिवन बाय, तो यहाँ से जो मिलेगा ये जो वेव फॉर्म हो गई, तो वेव का जो लेंथ मिलेगा लैम्डा बाय 2 जो मुझे मिला है, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू एल, एल मिल गया, बट मैंने यहाँ पे एक लूप बनाया, हो सकता है इसके अंदर कितने लूप बन रहे हो, कितने भी बन रहे हो, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, ऐसे खूब सारे लूप बन रहे हो, खूब सारे लूप बन रहे, तो हम लूप का जानकारी यहाँ पे नहीं दे रखी, लूप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, हम कहेंगे यहाँ पे एन लूप फॉर्म हो रहे होंगे, ऐसे कंसिडर करते हैं, तो लैम्डा बाई 2 एन के इक्वल एल के इक्वल आएगा, अब यहाँ पे हम कहेंगे नंबर ऑफ लूप हमें पता ही नहीं, वो आप कहेंगे वाइब्रेट कर रही है, तो वाइब्रेट करी तो नंबर ऑफ लूप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमने नंबर ऑफ लूप एन कंसिडर कर दिया, तो इस कंडीशन में हमें मिलेगा एन नंबर ऑफ लूप है, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू एल मिल जाएगा, और यहां से हमें जो मिला है लैम्डा इज इक्वल्स टू 2L अपॉन में एन, सर क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही जी, तो एन यहाँ पे एक तरह से नंबर ऑफ लूप है या फिर हम कह सकते हैं हार्मोनिक है, हार्मोनिक हार्मोनिक में बोल सकते हैं जी सर, तो इसका आंसर हो गया थर्ड जी, तो स्मॉल एन यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कह दीजिए, आप इंटीजर नंबर हो गया सिंपल जी जी, पूर्णांक संख्या आप इसमें कह सकते हैं, कह सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी, कंफ्यूजन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा इस क्वेश्चन को लिया था ना, बच्चा के लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू एल आता, एन कहां से आया भाई, हमें पता ही नहीं, आप एक लूप कैसे फॉर्म करोगे, कितने भी लूप फॉर्म हो सकते हैं, स्ट्रेस्ड वायर है, अब कौन सी हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, हमें इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो हमने वो कोई भी कंसीडर करके उसको नंबर ले लेंगे हम जी सर, क्या प्रॉब्लम थी बिल्कुल। तो ये अगला क्वेश्चन आपका आ गया, स्ट्रिंग ऑन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 270 हर्ट्ज, यानी जो फर्स्ट इसका मोड ऑफ वाइब्रेशन है जी जी वो हो गया 270 हर्ट्ज, इफ द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज इज टू बी प्रोड्यूस्ड, आपने प्रोड्यूस करना है इसमें 1000 द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, तो हमें लेंथ कितनी इसमें रिक्वायर्ड है जी जी, तो हम बदल क्या रहे हैं इसमें लेंथ
लेंथ बदल रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है बस। जी 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 तो इसमें तो खेल आपका, बाकी तो कुछ है नहीं भाई। पहले स्पीड कैलकुलेट कर देते साउंड की। स्ट्रिंग का जो खेल है इसमें, तो आपने लेंथ इतनी यूज कर रखी है, फिर आपको ये लेनी है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेस टू बी प्रोड्यूस्ड। तो लेंथ अपने डायरेक्ट नहीं करते सर इसको, वन वन अपॉन एल कर दो। हाँ इससे भी कर लीजिए आप। तो ऐसे में अपने को लेंथ जैसे मुझे एल निकालनी है, तो एल प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एन एन। तो इससे मैं लिखता हूँ एल डेस अपॉन एल इज इक्वल टू एन बाई एन डेस। तो इससे एल डेस की वैल्यू हमारे पास है, एन पहले कितनी थी फ्रीक्वेंसी 270 270 और बाद में कितनी है 1000 1000 और लेंथ पहले कितनी थी 50। जी तो इसको उड़ा दो मैं इससे। जी 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 बिल्कुल, ये उड़ गया इससे 2 से हाफ कलर इसका 13.5। तो ये तो हो गया 13.5 सेंटीमीटर। जी तो साधारण सी प्रॉब्लम है, थोड़ा कंफ्यूजन का सा मामला रहता है यार, ये क्या हो गया, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है। तो फंडामेंटल मोड में था, पहले इसकी लेंथ अपने पास 50 सेंटीमीटर थी और इसकी ये फ्रीक्वेंसी थी, बाद में इतनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए कितनी लेंथ आपको रिक्वायर्ड है। जी जी इस तरह क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये बहुत शानदार प्रॉब्लम है जिसको मैं कहता हूँ झटका दूरी। बिल्कुल बिल्कुल, अ सेकंड हार्मोनिक हैज टू बी जनरेट इन ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज जस्ट बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग हैज टू बी पर्क्ड एंड टच्ड। ये कहां से आपने का पकड़ना है और कहां से इसको टच करना है, टच करना चाहिए। इसको ऊपर पेज खाली कर ले। बिल्कुल पेज खाली कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हां इसमें सर जैसे सर लाइफ का कोई इशू नहीं रहेगा, मान लो अपने ये पॉइंट है आपका एल लेंथ दे रखी, एल लेंथ की कोई अपने पास स्ट्रिंग है, इसके दोनों अपने एंड कर रखे हैं फिक्स्ड, और मान लो मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या बेसिक पहले बात करता हूँ तो इसको प्यारे बच्चों एक तो अब हिंदी हो चाहे इंग्लिश दोनों ही आप इसको मैं कहता हूँ शॉक डिस्टेंस। जी जी झटका दूरी, और इसका फॉर्मूला है पी बाई टू एल, पी बाई टू एल। तो हमें कितने पल्सेस में इसको वाइब्रेट करना है, तो ये पी तो नंबर ऑफ पल्सेस है। जी जी एक में करवाना है, दो में करवाना है, तीन में करवाना है, तो मान लो मुझे एक में करवाना है। जी तो उस केस में आप जैसे पी वन रखोगे आप, तो वन अपॉन अपन करेंगे इसका, तो हमारे पास कितना पी एल बाई टू आएगा, पी एल बाई टू आएगा, एल ऊपर चला जाएगा। हाँ यस यस यस, मैं सोच गड़बड़ कैसे हो रहा है। हाँ ये फॉर्मूला आपको हो गया एल अपॉन टू पी, और पी यहां पर क्या नंबर ऑफ पल्सेस हैं। जी अगर आप एक पल्स जनरेट करना चाहते हो तो पी आप क्या रखोगे वन एल अपॉन टू, इसका मतलब आप जिस पॉइंट से इसको अपन खींचना प्लग करेंगे। जी जी पल्स डिस्टेंस है तरह से, तो पल्स डिस्टेंस हमारे पास से मान लो इसकी लंबाई एल, एल बाई टू से इसको अपन खींचेंगे, दोनों पहले से फिक्स है, तो ऐसे करने पे एक इसकी पल्स है फंडामेंटल या इसको जो मोड ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशन है इसका स्टार्ट हो जाएगा। जी जी मान लो अब इसमें अपने को दो में बनाना है, तो ये अपन दो रखेंगे। बिल्कुल तो L by 4 का मतलब हो गया L by 4। तो अब इसमें खींचना अपने को यहां से, पर आपको यहां से पकड़ना पड़ेगा। जी जी तो इसको अपन ये बोले ना कि प्रेस तो कहां से करना पड़ेगा L by 2 से। जी और आपको प्लग कहां से करना पड़ेगा L by 4 से। जी जी तो इस तरह से हमारे पास इसमें दो लूप बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी फॉर्मूले से देख सकते हैं, और कुछ बच्चे अपने ग्राफ बना के देखना चाहिए तो उससे भी देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है। सर ने जो बात बोली उसी को मैं वापस से बोल देता हूं कि नंबर ऑफ टू लूप वाइब्रेशन कितना देने का, सेकंड वाइब्रेशन और सेकंड वाइब्रेशन में आप कहेंगे नंबर ऑफ टू लूप, ऐसे कुछ बन जाएगा नंबर ऑफ टू लूप, पर नंबर ऑफ टू लूप में हम कहेंगे टोटल लेंथ कितनी थी एल थी एल। तो ये डिस्टेंस जो मिली सर ने जो बोला वो एल बाई टू मिल गई, ये जो डिस्टेंस मिलेगी वो क्या मिलेगी एल बाई फोर मिल जाएगी। तो यहां से हमने प्लग किया और यहां से हमने टच किया, टच किया तो ये प्लग डिस्टेंस आ जाएगी एल बाई फोर, और टचेज वाली डिस्टेंस जो आएगी वो हमें मिल जाएगी एल बाई टू। आई थिंक ये पूछा था, फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। यहाँ पे देखो कि आपका फॉर्मूला कब काम आएगा, जब नंबर ऑफ लूप्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बच्चा बना ही नहीं पाएगा इतना, तो उस कंडीशन से वैल्यू पुट कर देगा। तो ये अच्छी फॉर्मूली है और बच्चों को याद रखनी चाहिए। चलो ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है ना। जी 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 अच्छा है क्वेश्चन, इसको बच्चे ढंग से करें कोई इश्यू नहीं है। तो क्वेश्चन छोटे रूप में हो तो इस तरह से बना के फॉर्म कर लो, बड़ा है तो इससे कर लो, फॉर्मूले से कर लो, ऐसे भी कर लो। अब बड़ा होगा तो उसमें झटका दूरी पूछेगा कहां से प्रेस करना है, वो बहुत से पॉइंट बन जाएंगे। जी 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 बढ़ेंगे। जी सर ओके, ये कुछ परसेंटेज चेंज क्वेश्चन आ गए। परसेंटेज चेंज वाला भी इजी प्रॉब्लम होती है और आती हमेशा नेट में आती है। द टेंशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 69% इन ऑर्डर कीप द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज कांस्टेंट, इट्स लेंथ मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा इन्होंने
दैट इज फॉर्मूला हम राइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन इज इक्वल टू पी अपॉन में टू एल आर रूट ऑफ टी अपॉन में। तो यहाँ पे अदर क्वांटिटीज सारी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, हम कहेंगे हमें जो मिलेगा आर टी अपॉन में एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये से हम बना देते राइट सीधे सीधे, किस पे चेंजेस किया इन्होंने, टेंशन में चेंजेस किया और पूछा क्या लेंथ, तो हम यहां से बोलेंगे एल डैश अपॉन में एल इज इक्वल टू हमें जो मिलेगा क्या मिल जाएगा रूट ऑफ टी डैश अपॉन में टी। तो एल डैश अपॉन एल डैश, हमें एल डैश अपॉन एल गिवन नहीं है, इस चेंज आपको कैलकुलेट करना और टेंशन में जो चेंजेस है वो गिवन है। तो टी डैश की वैल्यू को मैं पुट कर दूं, एल डैश अपॉन में एल इज इक्वल टू रूट ऑफ टी डैश की वैल्यू 69% आपने इंक्रीज किया तो इनिशियल का 69% हमें मिलेगा 1.69 टी अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो मिलता है एल डैश अपॉन में एल इज इक्वल टू 13/10 1.69 हटा देंगे पॉइंट को, ऐसा कुछ मिल गया माइनस वन ऑफ बोथ साइड, माइनस वन अपॉन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम 3/10 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते ही 3/10 मल्टीप्लाई 100% दैट इज हमें मिल जाएगा 30%। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब दूसरा जो मेथड है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सोला मेथड आप बोलते हो कि किसमें चेंजेस हो रहा है किसमें हो रहा है, एक को 100 मान लो दूसरे में चेंजेस कैलकुलेट कर दो वहां से भी कैलकुलेट कर दो, इसका आंसर जो मिलना चाहिए 30% मिलना चाहिए। बहुत सारी बात करूंगा, हाँ बहुत सारी बता देते बच्चों क्या निकल, बहुत सारी बात अगर अपन करते हैं देखो तो यहीं से इसको अपन उठाएंगे और उसमें क्या करना पड़ता है, जस्ट इतना करना पड़ता है कि जो भी इनिशियल होता है उसको 100 मान, इसको मान लेते हैं 100, तो एल डेस आपको फाइंड करने किसी फाइंड करने उसको छोड़ो बता जी, तो एल डेस ये अपॉन 100 इज इक्वल टू ये आपका टी डेस कितना था 169, पहले कितना था 100 था, अपन जो भी इनिशियल है यहां जीते वैल्यू कितने 2 होती है उसी पर फर्क नहीं पड़ना, टी कितना मेरे पास 100 जी, इसका हो गया कितना 13/10 जी, उड़ाओ इसको कितना ये आपका हो गया 130 आ गया, एल डेस कितना हो गया 130 आ गया, एल था कितना पहले 100 था जी, अब कितना हो गया 130, डिफरेंस ही परसेंटेज चेंज है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो 130 माइनस 100 कितना आपका 100% आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी बच्चे करें उनको अच्छा लगे उस हिसाब से बिल्कुल कर लेंगे बच्चे। बच्चे आजकल गणित बहुत ज्यादा एक्टिव है, हाँ नहीं नहीं एक्टिव होना भी चाहिए बच्चों को जितनी एक्टिवनेस, पर एक बात तो पॉजिटिव कमेंट्स है ना वो हम जो लोग मेहनत करते हैं उसका थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है कि जो पॉजिटिव आपके रेस्पॉन्स मिलते हैं उसे अच्छा करने की उम्मीद मिलती है, अपन और अच्छा लिखते हैं और अच्छा हम बोलते हैं और अच्छी जैसे ट्रिक्स वगैरह हैं या वो सब बताने की कोशिश करते हैं, पर वो आपका जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो अच्छा बनाएगा, दोनों तरफ से पॉजिटिविटी आपकी तरफ से भी होनी चाहिए हमारी तरफ से और ज्यादा मिलेगी सर भी बिल्कुल बिल्कुल बड़ा बच्चों की डिमांड हमने फुलफिल भी की ना, हाँ, ने जैसे डिमांड की वैसे डिमांड की, मैं तो गांव में था हाँ, पोस्टर का नहीं आजा आजा बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो मुझे आना पड़ा कि मैं एक दो मिनट और लेट आता, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो वो पूरा फॉलो करते हैं कि बच्चे ने क्या मांगा हाँ, क्या नहीं बहुत हर चीज जी थे ये प्रोनाउन देखो इसको मैं करूँगा आपको ना चलो, तो इसमें क्वेश्चन में उसी बात को लगाऊंगा इसमें, जैसे ये कह रहा है कि किसी ये इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रेस एक बार आप इधर आओ थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल भाई हाथ से काम करता हाँ, नहीं If the length of a stress string is shortened by 40% and the tension is थोड़ा दिखता भी कम आजकल increase by 40%. If the length of a stress string is shortened by 40% and the tension is increased by this, then 44. The ratio of the final and initial fundamental frequencies. तो आपको तो only ये पूछा कि initial और final frequency उसमें क्या ratio है? जी. और change आपको दे रखा है किसमें सर? एक तो है आपकी टेंशन में, टेंशन में और लेंथ में जी, तो अपन ने फॉर्मूले बहुत लिख दिए इसके जी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है n, n इज इक्वल टू मैं लिख दूं इसको n इज इक्वल टू p बाय 2l इनटू रूट t बाय स्मॉल l जी, तो हमने बदलाव किसमें किया लेंथ में और टेंशन में, बाकी सब तो कांस्टेंट है जी, तो अपन सीधे इसको यहीं सुधारते हैं, तो हमारे पास n1 बाय n2 इज इक्वल टू हो गया ये देखो l2 बाय l1 इनटू रूट t1 बाय t2 जी, सीधे मैं यहीं इसको क्वेश्चन को कर रहा हूं जहां वन दे रखा है उसको 100 मान लो आप, तो अपना क्वेश्चन रेशियो पूछ तो कोई इश्यू नहीं है जी, तो अपने पास लेंथ पहले कितनी है 100 एल, तो मेरे पास कितनी में लेंथ कितनी कम करी सर 44% बड़ाई कम करी इंक्रीज लेंथ आपने शॉर्ट किया है, अच्छा शॉर्ट तो बन गया 60% इनटू रूट ऑफ t1 कितना मेरे पास है 100 और वो मैंने 44% बढ़ा दिया तो हो गया 144, इसको मैं यहां से उड़ा दूं तो और इस मेरे पास आ गया देखो ये हो गया आपका
10 अपॉन 12 हो गया जी जी। तो ये देखो हमारे पास 6 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 12 है, ये इससे बढ़ा दो तो 1:2। पर इस पे देखो पूछा अंतिम और आरंभिक जी जी, उल्टा पूछा है इसका, कोई नहीं चेंज तो इसका उल्टा मेरे पास रेशियो तो 2:1 आ जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा जी जी। पीछे परसेंटेज के क्वेश्चन हो चाहे आप इसमें पहले वाले है ना उसको 100 मान के क्वेश्चन करते हैं ना उसमें इजी हो जाता टाइम आपको बिल्कुल बिल्कुल बढ़े आगे जी सर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें भाई, टू वायर्स आर फिक्स्ड इन ए सोनोमीटर, देयर टेंशन आर इन द रेशियो एट रेशियो 1। इसका मतलब हमारे पास ये हो चुका देखो इसमें टेंशन का रेशियो, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं T1/T2 at ratio 1 जी। द लेंथ आर इन द रेशियो दिस, तो L1/L2 दिस इज 36/35। उसके बाद हमको दे रखा है कौन सा डेंसिटी है ना, तो ρ1/ρ2 और लोअर अपन निकाल लेते हैं तो अपने को क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा। पहले फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैलकुलेट, हाँ रेशियो पर निकाल लेते हैं तो पेज खाली कर लेते जी। अब अपन जानते हैं कि n n इज इक्वल टू होता है P/2LR और रूट ऑफ आपका T/π ρ, ये पहले पहले से बच्चों को दिखा दिया, बता दिया, सुना दिया बच्चों को। और अब इससे पर निकालते हैं रेशियो N1/N2 जी जी, और सीधे पर वैल्यू पुट करें डायरेक्ट साथ साथ ही, हां बिल्कुल P और 2 तो कांस्टेंट है, हां L2/L1 इसका अपोजिट रख देते हैं तो 35/36 हां 35/36 आ गया। अब इनटू रेडियस का भी उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो ये 4:1 दे रखा, तो 1:4 कर दो, 4 कर देते हैं इनटू रूट ऑफ ठीक है T1/T2 हां वही रेडियस रखना हमें @1 1 उल्टा जी जी, रुका है तो 2/1 जी जी, अब हो गया, अब हो गया है ना, तो ये हो गया रूट ऑफ 4 ना, ये इससे कैंसिल जी जी। अब देखो N2, अब हमारे पास जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये आई सिंपल सी कि N1/N2 दैट इज 35/36 उसको दो फ्रीक्वेंसी सुनने को मिल रही है, Hz resonate with 20 cm length if the string under the tension T, if length of a string is decreased by 2%, keeping the tension constant, the number of beats heard by heard the string in tuning fork made to vibrate simultaneously. अब यहाँ पे only length को change किया, और length को change करने से frequency change हो जाएगी, तो length और frequency में जो relation हमें मिलता है वो सीधे से हम कैलकुलेट कर देते हैं, और सीधे से कैलकुलेट करते हमें मिलेगा n इज डायरेक्शन टू 1/L। अब लेंथ में चेंजेस वेरी स्मॉल है, 2%, तो हम कहेंगे यहाँ पे अप टू 5% तक यूज डेल मेथड। यस, डेल मेथड जैसे आप यूज करेंगे हमें क्या मिलेगा, डेल n अपॉन में n इज इक्वल टू नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहा हूं यहां पे, तो हम कहेंगे डेल l अपॉन में l इन परसेंटेज, इन परसेंटेज तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी आप देंगे 2%। अब 2% को मैं चेंज कर दूं तो हमें मिलेगा डेल एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी, डेल एन अपॉन में दिस वन 392 इज इक्वल्स टू 2/100, और इसको सॉल्व करते ही डेल एन जो आपको मिलता है अप्रोक्स इक्वल्स टू 7.89, और यहां से हम कहेंगे ये आपको वैल्यू मिलेगी 8 बिट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होगा। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखें बच्चों,
कि यहाँ पे चेंजेस लेस देन 2% दे रखा है तभी तभी आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉपर मेथड से ही चलना होगा। यस बढ़ेंगे जी सर, ये नीट के लिए बहुत शानदार प्रॉब्लम है। हाँ, कई बार पूछी भी अच्छी पूछी जाएगी, अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन देखो अपना है कि 3 सिमिलर वायर्स इन डेंसिटी वगैरह सब उनकी दो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी सेम है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं N1 N2 N3 आर जॉइंट टू मेक द वायर वन वायर, यानी 3 वायर थे अलग अलग उनको जोड़ के अपन एक बना दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी हमसे, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी जी। तो वैसे सी बात अपन ये है, जैसे अपन जानते हैं देखो क्वेश्चन, इसमें सिंपल सी बात यह है कि एन हमारे पास होता कितना है, कोई बात पी अपॉन 2L और रूट टी बाई स्मॉल m, इसमें ओनली लेंथ को अपन ने वेरी करा सर जी। और लेंथ की वेरी करने पर ये हुआ कि सिंपल है कि n प्रोपोज टू 1 अपॉन l, या इसको अपन ये कह दें m इज इक्वल टू k बाई l, k जी कांस्टेंट है जी जी बिल्कुल। अब ये तो हमारे पास एक वायर की फ्रीक्वेंसी, तो अगर हमने यहाँ पे 3 वायर को ऐड कर दिए, तो ऐड करने पे टोटल लेंथ हमारे पास कितनी होगी, l इक्वल टू l1 प्लस l2 प्लस l3। अब इन सबको अपन इस रूप में लिखेंगे जी जी बिल्कुल। तो लेंथ के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं, l इक्वल टू k बाई n, n इक्वलेंट। तो यहाँ पे अपन क्या रिप्लेस करेंगे, k अपॉन n यानी k अपॉन n, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी रही होगी n1, तो n1 प्लस कितना k अपॉन n2 प्लस कितना k अपॉन ये n3, k को अपन उड़ा देंगे तो हमारे पास क्या बन गया रिलेशन, 1 अपॉन n = 1 अपॉन n1 + 1 अपॉन n2 + 1 अपॉन n3। तो ऐसे में इसका आंसर आपका जो है वो सेकंड चला हो जाएगा। बढ़िया जी सर। हाँ, तो ये सर एक बहुत प्यारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जी जी। अब इसके आगे वाले आने वाले सारे क्वेश्चंस आपके कौन से हैं, वो सारे क्वेश्चंस ऑर्गन पाइप के हैं। तो ऑर्गन पाइप में दो तीन टर्म्स आती हैं, एक तो हार्मोनिक, यस, ओवरटोन्स बिल्कुल। तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे तो बच्चे के लिए इजी हो जाएगा, बच्चा समझ पाएगा कि ओवरटोन क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, उसके बिना तो वो बच्चों के क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। लैंग्वेज अपन को बता भी देंगे तो उसको मजा नहीं आएगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ओपन पाइप होती है दो तरह से, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। तो अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं दोनों को साथ ही बिल्कुल फोटो बना के। तो एक तो हम तो इसके लिए पेज खाली कर लेना, पर फालतू दुख ही पा रहे हैं बिल्कुल, पेज खाली करो और मजा आएगा। तो सोच रहा था मैं ऐसा क्या हो रहा है जगह हमारे पास है ही नहीं बिल्कुल। तो ये लो सर, हम लेते हैं इसमें ओपन ऑर्गन पाइप पाइप, और ये आपके लिए बनाता हूं मैं क्लोज ऑर्गन पाइप। तो जो फर्स्ट, जैसे मैं इसको ले रहा हूं फर्स्ट पार्ट इसका, इसको बोलते हैं मूल समाधि, मूल समाधि या फर्स्ट फंडामेंटल हार्मोनिक, मूल समाधि या फर्स्ट, या इसको बोलते हैं प्रथम समाधि, समाधि। तो अगर मैं इसको यहाँ फॉर्म करता हूं तो मान लो मेरे पास ये कोई एक ऑर्गन पाइप पाइप। जैसे अपन जानते हैं कि जो फ्री एंड होते हैं वहां हमेशा बनता है एंटीनोड, वहां के पार्टिकल मैक्सिमम ऑसिलेशन के लिए फ्री होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आप जो फर्स्ट मोड है तो उसमें ये आपका ए बनना है, यहाँ पर भी आपका ए बनना है जी। अब कम से कम आपका जो फर्स्ट मोड लेना है तो डेफिनेट अपन जानते हैं कि दो नोड है, दो एंटी नोड है, उनके बीच में कम से कम एक क्या होगा, एंटी नोड होगा, नोड होगा, सॉरी एनोड होगा। तो मैं इसको कर दूं यहाँ पे एन जी। अब एन बनती है जो अपने स्ट्रिंग में वेव फॉर्म कर रहे थे पल्स, उसकी अपन बात करते हैं तो हमारे पास इसकी पल्स इस तरह से बन जाएगी। देखो ये पल्स अपन यहाँ बना दें इसको यूं जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी बन गई भाई। अब ये लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर, ये टोटल इसका हमारे पास पाथ यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा बाई टू आ गया, और इसकी लेंथ अपन मान ले कितनी स्मॉल एल जी। तो अब इसको अपन कंपेयर करें तो लैम्डा बाई टू मेरे पास कितना है सर, इसमें एल के इक्वल, ये लैम्डा बाई टू मेरे पास आ गया एल। तो ऐसे में लैम्डा कितना मेरे पास आया, 2L है, 2L। ये फर्स्ट आ गया जी। अब वेलोसिटी ऑफ जो साउंड वेव तो आपकी वी है, ऐसे में इसकी अपन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं एन, तो वी अपॉन लैम्डा होता है, तो मेरे पास आ गया वी अपॉन 2L। इसकी फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक है जो इस प्रकार के किसी एयर कॉलम में बन सकती है, हमने याद कर ली, उसको अपन n1 कह सकते हैं। तो n1 मेरे पास कितना आ गया, एक तरह से v upon 2L आ गया। अब इसका सेकंड जो मोड बनेगा उसमें देखो सर क्या हो जाएगा कि इसका सेकंड में पक्का निश्चित रूप से यहां पर भी अपने को a और a तो बनाने पड़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा इसका मोड लेना, आप इसके बीच में एक और a बना दो, बस खत्म, एंटी नोड, ऐसे आगे अपन बढ़ेंगे तो दो बना देंगे, तीन बना देंगे जी जी, इसकी फॉर्मेशन बन जाएगी। अब दो एंटी नोड के बीच में एक आपका नोड बनेगा जी जी, यहाँ भी दो एंटी नोड है उनके बीच में एक नोड बनेगा, और वेव जनरेट करनी है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो येलो बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें ये आपका लैम्डा बाई फोर, 1 2 3 4 जी जी, 1 2 3 और 4, इसका डबल हो गया बिल्कुल, डबल हो गया, तो सारी प्रॉपर्टी डबल होगी लगभग। तो इसमें n2 हम निकालेंगे तो n2 कितना, 2n1 आ जाएगा, ये इसको अपन लिखे तो कितना 2v/2l। अब यहां से अपने को सिंबल मिल गया बिल्कुल, वो तो ग्रीन सिग्नल जो होता है जी जी, वो मिल गया कि आप इसमें आगे आराम से बढ़ सकते हो जी जी। उसमें तो क्या होगा,
जैसे लैम्डा हमारे पास 2L है, तो इसको जरा सा मैं एक इसका स्टेप बता दूं, तो मेरे पास ये लैम्डा कितनी है, लैम्डा बाई 2, ऐसे में टोटल में इसको लिखता हूं तो 4 टाइम्स हो गई सर, तो 4 इंटू लैम्डा बाई 2 जो कितनी इसकी टोटल लेंथ है, L के बराबर है जी जी, तो इसकी इक्वल जैसे करता हूं यहां पर L इक्वल टू 4L बाई दिस, तो लैम्डा मेरे पास कितना 2L अपॉन 4 आ गया, लैम्डा बाई 4 आ गया। हाँ, ये हमने क्या लिख दिया, लैम्डा बाई 4 जी जी, तो ये भी लैम्डा बाई 4, तो 4 लैम्डा बाई 4 जी जी, बिल्कुल। अब ऐसे में लैम्डा मेरे पास कितना 4L अपॉन 4, तो आपका L आ गया, L के इक्वल आ गया, और पहले कितना था हमारे पास 2L, 2L था, आधा हो गया बिल्कुल, है ना, और ऐसे में हमारे पास फ्रीक्वेंसी डबल होगी, फ्रीक्वेंसी डबल, तो लैम्डा हुई इसमें आधी, फ्रीक्वेंसी हुई डबल, तो अब ये सिग्नल अपना मिल गया, अपन आगे इसको हमेशा के लिए बढ़ा सकते हैं जी। इसमें n2 मेरे पास कितना 2n1 है, तो सर इस तरह से अपन कहेंगे n3 कितना हो जाएगा हमारे पास 3n1, ये हो गया आपका 3n1, n4 कितना 4n1, इस तरह से आगे बढ़ेगा जी। तो देखो यहां पर, अब देखो ये जो मूल सनादि थी इसकी, जो मूल इसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद के जो सनादि होते हैं, जितने बाद के सनादि होते हैं उनको हार्मोनिक बोलते हैं, उनको अपन कहते हैं हार्मोनिक, और वो हार्मोनिक मूल से कितना गुना है जी जी, उतनी उसकी हार्मोनिक कहलाएगी बिल्कुल। जैसे दूसरा इसके दुगुना है, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ये 3 गुना है, थर्ड हार्मोनिक, अपन आगे पढ़ेंगे तो उस जितना गुना उसी हिसाब से बोलेंगे उसको, बिल्कुल 2 गुना तो सेकंड बोलेंगे, 3 तो उसको 3 बोलेंगे, अपन 3 बोलेंगे, पर इसके बाद जो पहला फर्स्ट जो बनता है, फर्स्ट जो ओवरटोन मिला आपको, उसको बोलते हैं प्रथम अधिस्वरक, अधिस्वरक फर्स्ट ओवरटोन जी जी। अब कितना बनता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमें मालूम नहीं होती, परंतु ये पक्का है कि इसके फर्स्ट मूल के बाद जो है ये प्रथम अधिस्वरक, उसके बाद द्वितीय अधिस्वरक, इस प्रकार से इसके अधिस्वरक बन जाएंगे बिल्कुल। तो अब इससे मैं आपसे पूछूं सर, यहाँ पर आपस में डिस्कस करें इस बात के लिए, इसके इसके प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति क्या है, प्रथम अधिस्वरक क्या होती है 2n1, और ये एक तरह से क्या है, द्वितीय सनादि है, द्वितीय सनादि है जी। तो ये तो बना ओनली मूल सनादि, मूल स्वर, प्रथम स्वर जी, ये बन गया सेकंड हार्मोनिक, प्रथम अधिस्वरक जी जी, और ये आगे जो बनेगा उसे बोलेंगे अपन क्या, द्वितीय सेकंड हार्मोनिक, सो सेकंड आपका ओवरटोन, और ये बन गया इसमें कितनी इसकी आवृत्ति, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड इसका ओवरटोन जी जी, इस तरह की इसमें आएंगी जी। और एक बात अपन लास्ट में और बता दें, इसमें तो सम यानी दुगुना भी है, तीन गुना भी है, चार गुना भी है, पांच भी, सभी हार्मोनिक ऑड और इवन सारे नंबर बढ़ते हैं, इसलिए इसके स्वर मीठे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। जो बांसुरी होती है दोनों साइड से ओपन बांसुरी होती है, वो आप देखेंगे ऐसे बजाने वाली बांसुरी होती है, उसकी आवाज मीठी होती है, मीठी होती है, ये इसका रीजन होता है जी। अब सर उससे थोड़ी बात आप बिल्कुल, अब देखिएगा सर ने ओपन ऑर्गन पाइप की बात की, मैं क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करूंगा, तीन केस हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप में मैंने कहा एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ एल कंसीडर की, यहाँ पे मुझे फर्स्ट हार्मोनिक के लिए देखना, और फर्स्ट हार्मोनिक के लिए यहाँ पे जो भी साउंड सोर्स हम यहाँ पे ट्यून करेंगे तो वहां से जो जनरेट होगा रिजिड एंड, रिजिड एंड पे हमेशा नोड नोड बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, और ओपन नोड पे एंटी नोड बनेगा, ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, तो यहाँ से आपने का वेव जो मिलेगी ऐसे कुछ मिलेगी। अब वेव का ये कौन सा पार्ट है, हम कहेंगे फोर्थ पार्ट है, ये डिस्टेंस जो मिलेगी लैम्डा बाई 4 मिल जाएगा, लेंथ एल है, तो लैम्डा बाई 4 की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिल गई, एल मिल गई, और यहाँ से आप कहेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 4L हो गया, तो v इज इक्वल्स टू n लैम्डा से n इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू 4L मिल गई, तो यहाँ पे ये फर्स्ट इसका हार्मोनिक मिल गया, दैट इज हम क्या बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई, इसकी मूल आवृत्ति मिल गई, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो मिली v अपॉन 4L, और ओपन में क्या मिलती v अपॉन 2L, तो यहां से हम कहेंगे उसकी हाफ होगी, ओपन की हाफ होगी या ओपन में इसकी डबल होगी, ऐसे कुछ आप कह सकते हो। अब सेकंड के लिए बोलेंगे तो सेकंड के लिए हमें क्या मिलेगा, ऐसे मैंने एक पाइप ले लिया है उसकी लेंथ एल ले ली, हम कहेंगे यहाँ पे तो नोड बनना ही बनना है बिल्कुल, और यहाँ पे एंटी नोड बनना है, बट वेव का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे हो जाएगा कि नोड बनेगा एंटी नोड बनेगा, इसमें हमें क्या करना होगा एक एंटी नोड और बनाना होगा, इसमें हमने एक ऐड किया था तो वहां दो आएंगे बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक नोड बनेगा, नोड पे एंटी नोड, एंटी नोड बन जाएगी। तो वेव की अगर हम बात करेंगे तो वेव ऐसे कुछ आपको मिल जाएगी, ऐसे कुछ वेव आपको मिल जाएगी, ऐसे कुछ वेव आपको मिल जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो वेव मिल जाएगी, तो वेव की अगर हम बात करेंगे तो वेव आपको यहाँ पे मिलेगी, ये जो नोड बनेगा ऐसे कुछ चला गया और यहाँ पे हम कहेंगे ऐसे कुछ चला गया बिल्कुल, तो यहाँ से नोड हो गया एंटी नोड हो गया, एन नोड हो गया एंटी नोड हो गया, ऐसे कुछ फॉर्मेशन इसका बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो मिलेगी हम कहेंगे लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 थ्री टाइम्स, थ्री लैम्डा बाई 4, और ये किसके इक्वल मिल गया, एल के इक्वल मिल गया, तो लैम्डा की वैल्यू जो हमें मिली 4L बाई 3 मिल गई,
तो यहाँ पे एन टू जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ वी अपॉन में, थ्री टाइम्स ऑफ वी अपॉन में फोर एल मिल गया। तो एन टू की वैल्यू जो मिलेगी हम कहेंगे थ्री टाइम्स ऑफ एन एन वन, थ्री टाइम्स ऑफ एन वन मिलने का मतलब हम कहेंगे यहाँ पे जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो प्रथम की तीन गुना मिल जाएगी। तीन गुना मिलने के बाद कहेंगे ये जो आपको हार्मोनिक मिला ये कौन सा हार्मोनिक मिल गया, तृतीय थर्ड हार्मोनिक मिल गया। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सेकंड टाइम मिला, सेकंड टाइम मिला बट आप कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जितने टाइम्स हो जाती है वही उसका हार्मोनिक माना जाता है। ऐसे आप कहेंगे एन थ्री की अगर मैं बात करूंगा तो एन थ्री जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, फाइव एन मिलेगा, फाइव टाइम्स हो जाएगा। तुम कहेंगे फाइव हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक आपको मिल जाएगी। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, फर्स्ट मिला, थर्ड मिला, फिफ्थ मिला, सेवन मिला, नाइन्थ मिला। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज मिलेगी ऑल फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगी, ओनली फॉर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स, आप कहेंगे ऑड हार्मोनिक ही प्रेजेंट रहेगी, यानी हम कहेंगे विषम हार्मोनिक यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेगी। इसमें थोड़ी सी बात हम एंड करेक्शन वाली भी कर लेंगे, बिल्कुल हाँ। तो देखिएगा ड्यू टू इनर्शिया जो हम एंटी नोड ओपन ऑर्गन पाइप हो या क्लोज ऑर्गन पाइप हो, एंटी नोड हम जो बना रहे इस एंड पे ठीक एंड पे नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, एयर वाइब्रेट करेगी और एयर वाइब्रेट करेगी तो ऑब्वियसली इसका कुछ इनर्शिया होगा, तो इनर्शिया होगा तो हम कहेंगे इसका जो एंटी नोड है थोड़ा सा आपने अप बनेगा और अप बनेगा तो इसी को हमने क्या बोला, एंड करेक्शन बोला। और ये डिस्टेंस जो एंड से ली उसको हमने ई से डिनोट किया। तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू रिले हम देखेंगे तो ई इज इक्वल टू मिलता 0.6 आर, साइंटिस्ट ने बताया आर यहाँ पे हम कहेंगे ऑर्गन पाइप की रेडियस है, ऑर्गन पाइप की रेडियस है। तो जहां भी हम एल कर रहे हैं उसमें एल में क्या करना होगा, ई को एड कर देंगे, और ओपन में जहां भी एल लिया एल के साथ हम टू ई को एड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे टू ओपन एंड है, टू ई को एड कर देंगे। तो एड करने से फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा और चेंजेस आ जाएगा, उसका क्वेश्चन आगे दे रखा। तो ई की एंड करेक्शन की थोड़ा सा जितना उसका डायमीटर या रेडियस बड़ा होगा उसका एंड करेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, एंड करेक्शन ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम जाएगी। इसलिए पतले पाइप की जो फ्लूट है बांसुरी है वो ज्यादा अच्छी बजेगी, बड़ा पाइप है उसमें नहीं बजेगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर एक बात अपन जब करते करते आ गए तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि जो जैसे अपन यहाँ कहेंगे तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट हार्मोनिक जी, मोल इसकी सनादी मोल आवृत्ति हो गई, प्रथम सनादी इसमें बोलेंगे जो इसका सेकंड जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें इसकी आवृत्ति कितनी, तीन गुना है। इसको अपने बोला तृतीय सनादी, बिल्कुल बट ये इसके बाद ये है फर्स्ट ओवरटोन है, यानी ये मूल स्वर, ये आपका प्रथम अधिस्वरक, उसके आगे वाला तीसरा अधिस्वरक, ये मूल आवृत्ति, ये इसका तृतीय सनादी और पंचम आपकी सनादी हो गई जी, जी। अच्छा अब इसमें आते कितनी संख्या बनते हैं नोड और एंटी नोड, जी जी बिल्कुल। तो इसमें फर्स्ट में कितने, एक और दो जी, और इसमें एक तो नोड है दो इसके एंटी नोड है जी। ऐसे पर इस वाले बात करते हैं तो यहाँ एक नोड, एक तो नोड, एक ही एंटी नोड है, यहाँ समान संख्या में जी जी, और यहाँ नोड की बजाय एंड नोड में से एक ज्यादा होता है जी जी। और ये तो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां तो ओनली पल्स बनाकर के बच्चों को काउंट करना चाहिए जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चन करेंगे जी बिल्कुल, नोड में आता है। तो क्वेश्चन आपका है देखो, अब ये क्वेश्चन सारे इस हिसाब से इनको पानी में डुबो दे पर मान लो वो क्वेश्चन भी पीछे लो इससे पहले वाला प्रॉब्लम। अच्छा पहले वाला आ गया जी, हाँ ये आ गया जी। तो इसमें है कि एक बंद पाइप और खुले पाइप में प्रथम अधिस्वर की आवृत्ति समान है, तो बिल्कुल देखो इसमें अब बच्चों को एक तो बहुत सीधे उनकी आवृत्ति याद होने से फटाफट से, एक तो हमारे पास है कौन सा COP जी और एक मेरे पास है OOP है, तो इसकी अभी पहले बात की थी फ्रीक्वेंसी। तो पहले प्रथम अधिस्वर की इसकी आवृत्ति है कितनी, वो देखो मैं करता हूँ इसको प्रथम COP है ना, तो 3V/4L जी जी, और ये आपका बंद है तो करते हैं इसको एल सी क्लोज जी जी, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है जी जी। तो OOP की फ्रीक्वेंसी अभी अपन ने कहा था कौन सी, सेकेंडरी बोला ना अपन ने प्रथम दस डबल वाला 2V/2L जी जी, और एल भी कौन सा आपका ओपन जी जी, हेलो क्वेश्चन हो गया आपका कैंसिल, बस बहुत पर ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, यहां से क्वेश्चन से उनको पकड़ना है, बहुत फास्ट करना है, बिल्कुल नेटिव प्रॉब्लम पूछ जाती है ऑर्गन पाइप से, सोनोमीटर से और डॉप्लर से प्रॉब्लम आती आती है, यानी इसका कहने मतलब ये वाले हो कि अगर मैं इसका फॉर्मूला अगर पकड़ना चाहता हूं तो मेरे को ये होना चाहिए कि PV/4L और एल सी, और पी के स्थान पे मैं इसको यू कर दूं कितना 2N+1 जी, ओड में बनता है इसमें तो जी, तो फर्स्ट में तो कितना आपका जीरो से स्टार्ट करना है जी जी बिल्कुल, तो जीरो में तो आपका 1V/4L, फिर कितना इसको वन करता हूं तो कितना ये हो गया, इस तरह से इसको अपन लिखते हैं। अब यानी प्रथम अधिस्वर के लिए आप ये n मान लो नंबर ऑफ ओटोन्स, ओटोन तो पहले में जीरो बनता है चीज के बाद ओटोन बन जाएगा, और इसमें इसका लेंगे अपन फॉर्मूला तो ये बन गया मेरे पास ओनली PV या n के रूप में लिखो MV/4L
टू है जी, यहाँ पे नंबर्स हो जाएगा जो वन से स्टार्ट करना। तो सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? कोई दिक्कत नहीं, प्रथम अधिसूरक, पर इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले में एन यहाँ पे अधिसूरक नहीं है, ये कौन सा है? फर्स्ट वाला ना, प्रथम ही है जी, तो ये एन इसमें आपको बढ़ाई रखना पड़ेगा, इस तरह से एन प्लस वन करना पड़ेगा बस अधिसूरक के लिए। अधिसूरक के लिए अगर मैं मान, अपन ने मान लो एक पूर्ण बना लिया जी जी कि एन अधिसूरक है, तब ये तो बन गया आपने किसके लिए? ओपी के लिए, ये बन गया आपका फिक्स बन गया जी जी। एन यहाँ पे मान लो प्रथम अधिसूरक है ना, इसका भी आप इसको तो रखना एन प्लस वन, यहाँ बन गया आपका एन प्लस वन जी। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है जी जी, बिल्कुल। तो अब इसको अपन काट फिट कर देंगे। हाँ इसका, हाँ कट तो गया नहीं, ये दो से टू कट गया, अब तो गया इस पे 3:4। हाँ बी से बी भी जी कट गया। अपन पूछा कौन सा है लंबाई, इसकी पहले सी एल सी और एल, ये ओ था सर ना जी जी, एल सी और 3:4 आ रहा है बिल्कुल, 3/4 हो गया। अब यहीं पर हो गया जी जी, तो ये क्वेश्चन सिंपल सिंपल स्टार्ट हो जाएंगे बस उसी पे। इफ द लेंथ ऑफ ए क्लोज ओपन पाइप इज 1.5 मीटर, क्लोज ओपन पाइप आ गया सी ओ पी, और इसकी लेंथ एल सी क्लोज कितनी है 1.5 मीटर, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज दिस, देन द फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकंड नोट इज, सेकंड हार्मोनिक बन गया इधर से, तो है कौन सी? सी ओ पी, तो सी ओ पी की सेकंड नोट अपन फॉर एल, तो ये हो गया सेकंड, तो दूसरा हो गया ना सर, तो 3V/4L, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को, या फाइंड करनी है, फाइंड करनी है तो 3 मान लो n, हां पहले पुट कर दो, पहले पुट कर दें जी, तो 3V हमारे पास कितना सर 330/4L, l कितना 1.5 जी, 62 इसकी जस्ट आप हो जाएगी ये 6, तो ये हो गया आपका, और इसका 165 इसका सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल ये आंसर आ गया जी जी जी, बिल्कुल बढ़िया गया जी सर। तो फिर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है कि पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से खुला पड़ा है जी, व्हिच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज रेजोनेंटली एक्साइटेड बाय ए 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स, टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड, एक 30 सेंटीमीटर पाइप दोनों तरफ से खुला हुआ है, अब 1.1 किलोहर्ट्ज आवर्ती के स्रोत के साथ पाइप कौन सा समाधि समस्वर में है, ध्वनि का, तो इसको तो अपन चेक करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका सी मान लेते हैं, वैसे भी अपन उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल कर दिया फॉर गुड। हां तो इसमें जैसे अपन ने n लिखा अभी फ्रीक्वेंसी वाला, n इज इक्वल्स टू, तो कौन सा COP है क्या, तो 2n प्लस 1 कर दूंगा सर इनटू v / इसको 2p कर देता हूं अपॉन 4l, ओपन ओपन पाइप है सर, ओपन लिया, ओपन है क्या? हां तो ओपन है, तो मैं उसमें आ जाता हूं, अभी अपन ने अभी अभी तो तैयार किया, उसको अपन लगाने की कोशिश करते हैं देखो बच्चों के लिए, तो कर दूं उसको p प्लस 1 into v / 2l जी, हमारे जी जी बिल्कुल सही। अब इसमें अपन p तो निकालना है जी जी, या सनातीय तो कोई बात नहीं, उसको बदल लेंगे, क्या माइनस 1 कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे, माइनस 1 कर, हां तो इसमें p प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2ln / v, तो देखिए सर इसमें 2l लेंथ हमारे पास कितनी, 30 सेंटीमीटर, 30.3 कर दूंगा जी जी, into फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.1 किलोहर्ट्ज, तो 1100 जी अपॉन v, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 330, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही सेट किया हुआ है जी, कैंसिल आउट ये हो जाएगा अपने का 3 times 3 times से 3 कैंसिल आउट 2 आ गया, 2 आ गया ये आंसर है, ये कैंसिल आउट और यहां से आपके 2 p plus 1 जो मिला है वो हमें 2 मिल गया। अच्छा p क्या था हमारा, ओल्ट ऑन जी, सही तो किया ना हमने, हां देख लो 3 से 3 कैंसिल 2 आ गया 3 से 3, तो P जो मिला है वो हमें 1 मिल गया, तो P ओवरटर्न था, तो हार्मोनिक कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी बिल्कुल, बिल्कुल जी एकदम, तो ये तो बहुत जोरदार चीज कर रहे हो जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे जी सर, ओके हां ये तो, भी प्यारी प्रॉब्लम है बिल्कुल, उस तरह से प्रॉब्लम कोई इशू नहीं इसमें, तो जी जी जी, तो एयर इज ब्लोन एट द माउथ ऑफ एन ओपन ट्यूब ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर, if the velocity of sound in air is this then emitted frequencies are, तो पहली बात तो ये है कौन सा सर, ओपन ट्यूब, ओपन ट्यूब है और बोथ साइड है क्या, एट द माउथ ऑफ एन एक ही है या दोनों तरफ से है, ओपन होते हैं ना खुली, हाँ खुल मिल गया नाम है ओपन, ओपन तो उसमें तो अपन जानते हैं उसकी पहले मूल बनाते हैं अपन, तो उसकी मूल फ्रीक्वेंसी कितनी है, v / 2l, v सर कितना हुआ इसमें 330 अपॉन 2 इंटू एल, लेंथ हमारे पास कितनी है 25 एल 1/4 कर दो जी, ठीक है तो 1/4 में तो ये हो गया एक तरह से अपने हाफ, तो डबल यानी हो गया 660 हर्ट्ज जी। अब इसका
ऑड एंड इवन नंबर मिल जाएगा। हाँ ऑड एंड इवन में आपने कहा 2, 3 मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 आ जाएगा, फिर आपने कहा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 समथिंग आ जाएगा, बिल्कुल, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2600 समथिंग आ जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा जी। क्योंकि अपन जानते हैं कि दोनों एंड से अगर ओपन है तो उसमें तो आपने सम और विषम यानी दोनों ऑड और इवन दोनों प्रकार की हार्मोनी बनती है, तो जस्ट आप क्या करें इसको डबल, इसको 3 times 4 times करके चेक कर लो वो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इस वाले में ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, इसमें भी ये पॉसिबल, ये पूरा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल एक पॉसिबल है वो पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं, स्टार्ट ही इसका खराब हो गया तो जी तो खराब होना, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल चलते हैं आरंभ ही जब देखते नहीं होता क्या आगाज ही नहीं होता उसका तो अंजाम बुरा होगा सर। तो करें सर इसको सोर्स फ्रीक्वेंसी 200 Hz, सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप प्रोड्यूस 10 bits per second विद सोर्स फ्रीक्वेंसी 420। सोर्स को चेंज कर दे, यहाँ पे सोर्स को चेंज करके हम यहाँ पे दो फोटो बना देंगे और दो फोटो से हम देखेंगे तो कैसे मिलता। हम कहेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 to infinity हमने कंसीडर की, नॉन कितना दे रखा आपको 200, हम कहेंगे 200 नॉन है, ये नॉन फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई। अब बिट्स जो प्रोड्यूस हो रहा है कितना, 5 bits प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे अननोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 205 या 195, या तो हम कहेंगे 205 होगा या 195 होगा, हमें ये आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने चेंज कर दिया। अब चेंज करने से हम कहेंगे अगेन आपने कहा वही कंसेप्ट वापस से अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जो अननोन की फ्रीक्वेंसी है 420, सॉरी नॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 420 आपको दे रखी है, 420 पे है। अब यहाँ से जो बिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, बिट्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा बिट्स प्रोड्यूस होगा, 10 bits प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसकी हायर फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी 430 मिल जाएगी और इसकी कितनी मिल जाएगी 410 मिल जाएगी, ऐसे कुछ मिल जाएगा। अब इन्होंने जो कंडीशन दे रखी है कि पाइप वही है बट उसका कौन सा हार्मोनिक दे रखा है, हार्मोनिक उन्होंने जो दे रखा है हार्मोनिक चेंज कर दिया, कौन सा हार्मोनिक दे रखा है, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। अब सेकंड हार्मोनिक के लिए हम कहेंगे इसका अगर मैं सेकंड हार्मोनिक कैलकुलेट कर दू तो सेकंड हार्मोनिक का मतलब जस्ट ट्वाइस कर, जस्ट ट्वाइस। अब जस्ट ट्वाइस करने से हमें क्या हो जाएगा, 410 हो जाएगा, बिल्कुल आप कहेंगे 410 हो जाएगा, 410 हो गया, ये 410 हो गया। उसका करेंगे तो, इसका करेंगे तो हम कहेंगे ये तो 390 हो जाएगा, 390 हो गया, 390 हो जाएगा, तो 390। अब 390 इसके साथ कितने बिट्स प्रोड्यूस करेगा, हम कहेंगे 30, जो कि 30 तो ये नहीं देखा है। अब 410 इसके साथ कितने बिट्स प्रोड्यूस करेगा, 10। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2, 5, 4, 10 वाले के अनुसार आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आपका 205, बिल्कुल जी सर, बढ़िया बिल्कुल। तो इसमें क्वेश्चन आपका है, ए होलो सिलेंड्रिकल सिलेंडर विद बोथ साइड्स ओपन जनरेट्स ए फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर व्हेन द सिलेंडर वर्टिकली इमर्ज्ड इनटू वाटर बाय हाफ इट्स लेंथ द फ्रीक्वेंसी विल बी। तो आपने दे रखा है पहले एक ओपन ऑर्गन पाइप पे, दोनों से आपका ओपन है जी जी जी, तो ऐसे में इसकी जो फ्रीक्वेंसी एफ हमारे पास है वो अपन जानते हैं वी अपॉन 2L। अब इसने कहा कि इसका हाफ पार्ट, यानी इसके हाफ पार्ट को हम क्या कर देते हैं सर, इसको अपन ने फिल कर दिया, तो यहाँ तो पानी आ गया ना जी जी, अब ये बन गया आपका रिजिड, ऐसे में इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी आपकी L by 2 और ये बन गया एक तरह से अब क्लोज ऑर्गन पाइप जी जी। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड से अपन देखें तो वो होती वैसे वी अपॉन 4L, और L के स्थान पे आपको लेना पड़ेगा L by 2, तो ये मेरे हिसाब से उतनी आगे सेम आगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। इसका मतलब बस ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक दोनों एंड से ओपन है उसके आधे पार्ट में उसको आधा पानी में डुबो देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आता जी, बड़े जी। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, आप बताएं इसमें, ये भी तारीफ रूल है, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन इन एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड एंड लेंथ 85 सेंटीमीटर हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिलो 1250 Hz। तो यहां से हम कहेंगे इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैं कैलकुलेट कर दूं, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलेगी क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी सर ने बताया था, हम कहेंगे n इज इक्वल्स टू v अपॉन में 4l, वैल्यू पुट कर देता हूं, और वैल्यू पुट करने पे हमें कहेंगे 340। अच्छा ये करेक्शन है,
तो यहाँ से जो एन मुझे मिला है वो कितना मिल गया, कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो ये मिलेगा आपको 3.4, 3.4 का मतलब 100 हर्ट्ज, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो 100 हर्ट्ज आपको फंडामेंटल मिली है, तो इस फंडामेंटल का हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है क्लोज ऑर्गन पाइप में 1:3:5:7:9:11:13:15 ऐसा कुछ मिलेगा। बिल्कुल, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमें जो मिलेगा कितना मिलेगा, 100, 200, 100, 300, 500, 700, 900, 1100 एंड यहाँ पे 1300। आप देखिए 1300 हर्ट्ज तो ग्रेटर देन 1250 है। बिल्कुल, हमें बिलो चाहिए, तो बिलो कितनी फ्रीक्वेंसीज आपको मिल गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी यहाँ पे 6 मिल जाएगी। जी, नेट के लिए बहुत शानदार प्रॉब्लम सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एन ऑर्गर पाइप P1 क्लॉज एट वन एंड वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट ओवरटर्न। जी जी, फर्स्ट ओवरटर्न। तो ये अपने पास है ऑर्गन पाइप क्लोज, तो ये आपका COP। जी जी, और COP का हमको दे रखा है फर्स्ट ओवरटर्न ओवरटर्न, इसका मतलब ये बन गई इसकी फ्रीक्वेंसी एक तरह से 3/4L। एल भी किसकी, क्लोज वाले की। जी जी जी, तब अपन इंफॉर्मेशन ले ली इसकी। जी जी, एंड अनदर पाइप P2 ओपन एट बोथ हैंड्स वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड ओवरटोन, उसका थर्ड ओवरटोन की बात की जा रही है। अच्छा, तो इसमें थर्ड ओवरटोन कौन सा सीओपी हो गया ना, ओओपी में। जी जी, तो ओओपी जो है उसका दे रखा है आपका थर्ड ओवरटोन, उसमें तो अपन जानते हैं सर टाइप के बनते हैं। जी जी जी, तो उसमें तो आपका थर्ड मतलब फोर्थ आ गया, फोर्थ आ गया, तो 4V/12। जी जी, 4V/12 है जो ओपन का यहां पे। अब इसमें क्या कर रहा है, ओपन एंड बोथ एंड वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड ओवरटोन आर इन रेजोनेंस, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। जी जी, तो ये दो साहब बराबर कर दो और ये बन गया आपकी ओपन। जी जी, अब क्या पूछा, देखो सब रेशियो पूछा, VCV कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 आप लेंगे 3:8 आ गया ना आंसर, 3:8 आई थिंक 3:8। यस यस, तो बस ये इस तरह से बस बातों को पकड़ना ना ये जरूरी है। जी बिल्कुल, इसमें कौन सा ओवरटोन है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन कौन से बने थे, पर बात ये कर ली। मैंने बच्चों को पहले ही बोला था कि नीट के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम की लैंग्वेज पे जाना, लैंग्वेज में उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है, बिल्कुल उसको देखना, लैंग्वेज जितना शॉर्ट से सॉर्ट कर सके उतना करो। बिल्कुल बिल्कुल, अगेन क्या बोला है, टू ओपन ऑर्गन पाइप गिव्स 4 bits per second साउंडेड टुगेदर इन देयर फंडामेंटल नोड्स। If the length of pipes are this one respectively, then the velocity of sound. तो velocity of sound के लिए हम कहेंगे frequency जो आपको मिली n is equals to v upon में 2l मिल जाएगा। Yes। हम कहेंगे bits calculate करना, तो bits आपको दे रखा है difference n1 difference of n2, तो हमें यहाँ से जो मिलेगा v upon में 2 common ले लो, 1 upon हम कहेंगे l1 minus 1 upon में L2। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है सर, 4 दे रखा है। yes, तो सीधे से वैल्यू 4 की पुट कर दीजिएगा, V अननोन है हमें पता नहीं, 2, और ये जो वैल्यूज दे रखी है इस वैल्यूज को मैं पुट करने पे मुझे जो मिलेगा 1/100 एंड 102.5। तो इसको सीधे से मैं सॉल्व करूं तो मुझे जो मिलेगा 100 एंड 2.5 माइनस 100 अपॉन में जो मिलेगा 8 और दिस वैल्यू जो मिलेगी आपको मिलेगी मुझे 2.5। तो वी की वैल्यू जो मिल रही है यहाँ से आई थिंक दिस वन मिलेगा वी इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे 8, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हमें मिलेगा 10/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, ये मिलेगा 100 2.5 अपॉन में 2.5, और इसको सॉल्व करते हमें जो मिला है वो मिल जाएगा आपको 328 आ रहा है सेकंड, 328 बच्चे कर लेंगे इसको तो मीटर पर सेकंड, पर कैलकुलेशन सिंपल से कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट बढ़े सर। जी बिल्कुल सर,
An organ pipe of length L vibrate in fundamental mode. The pressure variation is maximum. Pressure variation की बात हमने सर की थी. Pressure variation maximum कहाँ मिलेगा? Node पे. और node जो आपको मिलता है open organ pipe की बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे anti node बना, यहाँ पे anti node बना, यहाँ पे node बन गया और node पे pressure changes maximum मिला और node आपको कहाँ मिला है? L by 2 पे मिला और L by 2 कौन सा point हो गया इसका? Middle point of pipe. इसका second answer चलते हैं. बिल्कुल. Yes. यहाँ पे इन्होंने जो बोला ये भी प्यारी प्रॉब्लम दे रखी है. टू क्लोज ऑर्गन पाइप ए एंड बी हैव द सेम लेंथ. ए इज वाइडर देन बी या ए चौड़ा है बी पतला. लेंथ दोनों की सेम है. एंड करेक्शन की बात जो अभी हमने की थी वो वापस से मिल जाएगी. ए चौड़ा है बी से, ए ऐसा है और बी ऐसा कुछ है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एन मिलता है एन इज इक्वल टू वी अपॉन में फोर. क्या बोलेंगे? L प्लस में E. अब E की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? 0.6 R होगी. अब जिसके लिए R ज्यादा होगा उसके लिए E ज्यादा होगा और E जिसका ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो हम कहेंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी. तो A की फ्रीक्वेंसी कम है, B की फ्रीक्वेंसी अधिक है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ B. थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ B. थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन 28. क्या बोला है? A train moving at a speed of 220 meter per second towards the stationary object. Object जो है stationary है यहाँ पे और source जो है वो move कर रहा है और वो कितने से कर रहा? 220 meter per second से कर रहा. कितनी frequency generate कर रहा? 1000 hertz यहाँ पे generate कर रहा. ऑब्वियसली इसकी ये जो frequency और ये observed frequency उसमें कुछ difference मिलेगा और ये जो मिलेगी ये n dash मैंने consider की. तो n dash का formula बच्चों आपको पता होना चाहिए. डॉपलर इफेक्ट में formula जो मिलता है वो क्या मिलता है? n dash is equals to n हम कहेंगे v plus minus v observer upon v minus plus v source. तो यहाँ पे कहेंगे observer तो rest में, ये velocity तो rest में आ जाएगी. अब source अगर नजदीक आ रहा तो नेगेटिव आएगा, source दूर जा रहा तो पॉजिटिव आ जाएगा. ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. वैसे फिर भी बच्चों ने पढ़ रखा फिर भी वापस से बोल दिया. तो n dash की वैल्यू पूछी तो n dash यहां से हमें जो मिलेगा 1000 v. v की वैल्यू आपको दे रखी है 330. आप कहेंगे 330 अपॉन में जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? या इसमें पूछा क्या इन्होंने? फ्रीक्वेंसी ऑफ इको डिटेक्ट बाई ड्राइवर एंड ट्रेन रिफ्लेक्टेड पूछी. तो यहां से n मिलेगी तो यहां से वापस जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? n डबल डैश. मैं कहना चाहता हूं तो कि भी अपनी कहना चाहेंगे तो भाई दोनों मोड इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं. जी बिल्कुल. यहां प्लस यहां माइनस ऐसा कर दो. एन डबल डैश की बात करें तो एन डबल डैश जो मिलेगा यहां पे हम कहेंगे सेकंड कंडीशन में ऑब्जर्वर ये बनेगा तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? इसको अप्रोच करेगा तो प्लस हो जाएगा. तो प्लस होगा तो हम क्या बोलेंगे? 220 और यहाँ पे अपॉन में 330 माइनस 220. जैसे हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपको जो मिलती है 1000. यहां से हम कहेंगे ये जो वैल्यू मिली आपको 550 अपॉन में हम कहेंगे ये वैल्यू आपको मिलेगी 110. कैंसिल आउट और ये वैल्यू मिली आपको 5 टाइम्स 5 से आप कहेंगे 5000 हर्ट्ज. सर आंसर बताइएगा. थर्ड. गुड. अरे बढ़िया के. जी सर. यस करें. हां बिल्कुल करो. अ ट्रेन इज मूविंग एन स्ट्रेट ट्रैक विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड. इट इज ब्लोइंग its whistle at the frequency of 1000 hertz. The passenger change in the frequency heard by person standing near the track as train passes him is. तो यहाँ पे जो मिलेगा ट्रेन एक पटरियों पे चल रही है तो उसको अप्रोच भी करेगी फिर दूर भी जाएगी. तो दोनों कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस है वो हमें कैलकुलेट करना है. पहले अप्रोचिंग का फिर इसमें सेपरेशन हो जाएगा. जी बिल्कुल. पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फिर घटेगी. दोनों का चेंज अपने को निकालना. बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा. तो चेंज निकालने के लिए पहले मैं तो क्या अप्रोचिंग वाला एन वन ले लूं और एन वन में जो मुझे मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? एन वी प्लस सॉरी वी जीरो हो जाएगा. ऑब्जर्वर थ्रस्ट में वी प्लस जीरो अपॉन में हम कहेंगे वी माइनस वी एस मिल जाएगा. और एन टू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एन हम कहेंगे इस कंडीशन में ऑब्जर्वर दूर जाएगा. ऑब्जर्वर वही है सोर्स दूर जा रहा है तो वी प्लस जीरो अपॉन में वी प्लस Vs. Vs आपको मिलेगा. अब इन दोनों का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना और डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कंप्लीट फॉर्मूला में अप्लाई कर दूं यहाँ पे तो हमें जो मिलेगा आप कहेंगे n1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दे. n1 जो मिलेगा
1000 मल्टीप्लाई वी की वैल्यू आपको दे रखी 320 अपॉन में 320 माइनस 20 आपके 300 मिल गया मुझे। यस। और यहां से n2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 320 अपॉन में 320 प्लस दिस 340 मिल गया। अब यहां से जो डिफरेंस मिलेगा उस इनिशियल के साथ परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना, और परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन में इनिशियल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 100%। सर देखिएगा तो यहाँ पे चेंज हमने क्या बोला, एन वन और एन टू का चेंज कैलकुलेट कर दो। यहां से जो चेंज मिलेगा डिफरेंस, मैंने डिफरेंस लिया और डिफरेंस आपकी एन वन डिफरेंस ऑफ एन टू अपॉन में एन मल्टीप्लाई 100%। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू पुट करने से हमें जो मिला है वो कितना परसेंटेज मिल जाएगा, अप्रोक्स इक्वल्स टू, कंप्लीट सॉल्व करूं क्या फिर डायरेक्टली आंसर राइट कर दूं, बता दो सर 12.5 के आसपास आएगा, 12 समथिंग आएगा, 12 समथिंग आ जाएगा, तो हम अप्रोक्स इक्वल्स टू 12%। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रहता इसलिए मैंने कंप्लीट इसको सॉल्व किया। बच्चे ऐसे करेंगे इसको। हां बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़िया है सर। जी सर, क्वेश्चन नंबर 30। अ सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर सो दैट apparent frequency increased by 50%। तो n dash जो बोला है n dash is equals to 50%, that is 3 by 2 times of n। yes। और इसकी फॉर्मूला जो मिलता है n dash is equals to n, कौन किसको अप्रोच कर रहा है, हम कहेंगे सोर्स है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है, तो v अपॉन में v माइनस vs, ऐसे कुछ मिलना चाहिए। तो n dash की वैल्यू आपको मिल गई 3 by 2 n is equals to n, हम कहेंगे v upon में v minus vs, cancel out, इसको जैसे हम सॉल्व करते तो हमें जो मिलता है ऐसे कुछ मिल जाएगा 3v minus 3vs is equals to v, that is हमें मिलेगा 2v sir, 2v, that is हमें मिलेगा 3vs is equals to v and vs is equals to v by 3, तो v by 3, v की वैल्यू 330 by 3, that is 1, 1. 10। जी सर, बड़े बिल्कुल, तो आप यहां से कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल सर, डॉपलर फिनोमेना इज रिलेटेड विद, डॉपलर प्रभाव किस घटना से संबंधित है, इसमें सर अब देखिए बात चल जाती है तो क्या बातें कही जाती है, जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल लें इसमें कि जैसे शादियां होती है सर, तो शादी उस दिन जैसे अपन कई बार जैसे अपन जब कॉलेज लाइफ में थे तो जहां जिस कोने में अपने को जो बैंड की आवाज सुनती थी तो अपन क्या करते थे उस आवाज को सुन करके और जीमने के लिए कई बार पहुंच जाते थे। हाँ, हॉस्टल में, हॉस्टल लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, ऐसा होता है अभी कोई जाए ना जाए पर होता है मोस्टली, सूट पहन के पहुंच जाते थे तैयार होकर के सूट खोलो तो, और अपन ये भी देखते थे कि उस जो जहां भी आपका जो बैंड जो है बैंड वाला सिस्टम वो अप्रोच कर रहा है या जा रहा है, जी जी पर आ रही है जा रही है, किस साइड से आ रही है, जी जी तो किस बेस पे था, वो था इंटेंसिटी बेस पे था वो, जी 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 वो दैट इज नॉट ए डॉपलर इफेक्ट, बात बहुत बात समझ में आ रही है कि मान लो कोई बैंड वाला आपके पास आ रहा है ठीक है या कोई कार आपके पास से निकल रही है, तो उन केसेस में ये ध्यान समझना पड़ेगा कि इंटेंसिटी में बदलाव जो आपको सुन रहा है उसमें बदलाव किस में हो रहा है, वो लाउडनेस में चेंज कर रहा था, वो लाउडनेस द चेंज इन लाउडनेस इज नॉट डॉपलर, जी चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज डॉपलर, फ्रीक्वेंसी का रिलेटिव डिस्टेंस होता है इसके तारतम्य से, जी जी बिल्कुल पिच तो उसकी है, यानी कोई व्हीकल आपके पास से निकला तो उसकी जो साउंड कितनी आपको मोटी या पतली सुनी, जी 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 वो आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, उसको अपन कहते हैं एक तरह से पिच ऑफ जो आपका साउंड सोर्स होता है उसका, तो इसका इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, जी जी इंटेंस तो अपन ने पिच बात की थी पहले वाले में, तो वो था पी परपोज टू वन अपॉन डी स्क्वायर होता है, जी जी तो जैसे कोई व्हीकल हमारे पास से निकलेगा तो उसकी आवाज तो डेफिनेट है डी हमारी डिक्रीज, तो पी बढ़ेगा और बढ़ेगा इंटेंसिटी, उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो बिल्कुल बात अलग है, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसका तो सिंपल आंसर कौन सा आएगा, पिच। बढ़े सर आगे, जी सर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आप कह रहे हो कि शांत हवा में एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड या एक ट्रेन इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड इन स्टील एयर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकोमोटिव व्हीसल इज 50 हर्ट्ज एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस, द अपेरेंट वेवलेंथ ऑफ साउंड इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड द लोकोमोटिव आर रेस्पेक्टिवली। तो प्रश्न आपका हिंदी पढ़ ले, एक शांत हवा में एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड वेग चल रही, मान लो कोई रेलगाड़ी है इसका अपन एक डब्बा बना लेते हैं और इसकी स्पीड हमारे पास कितनी है सर,
ये स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, क्लियर। अच्छा चलते, इसकी सीटी की आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है एन, वो हमारे पास है 500 हर्ट्ज सॉरी, और वेलोसिटी ऑफ साउंड वी, ये तो अपने जो सोर्स जो गति करेगा उसके बीस अपने है 345 मीटर पर सेकंड। ये कुछ अपने को दे रखे इंफॉर्मेशन। अब पूछा हमसे ये कि इंजन के भाग के आगे और पीछे, जो इसके आगे वाला पार्ट है और इसके पीछे वाले पार्ट में जो आपको लैम्डा है वो सुन रही, उसकी क्या वैल्यू होगी जी, इस बारे में बात की जा रही। तो लैम्डा का फॉर्मूला भी अपन जानते हैं, इसको अपन बना सकते हैं। जैसे अभी सर अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो डॉपलर इफेक्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी के लिए, एन इज इक्वल टू आपका एम और ये वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन कितना वी प्लस माइनस, मैं इसको कर दूं उल्टा यहां पर, अरे भाई आ जा रे, ये आपका माइनस प्लस वी एस, और लैम्डा के रूप में इसको अपन लेंगे तो लैम्डा डेस इक्वल टू कर दो लैम्डा, उल्टा कर दो वी माइनस प्लस वी एस अपॉन वी प्लस माइनस वी नॉट, बेसिक फॉर्मूला आप क्लियर जी। अब उसमें इनके सिंबल बड़े हैं, अब बच्चे भूल जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी वाले में एक तो है हमारे पास तो वी ऑब्जेक्ट है ना, ये वी ऑब्जर्वर, ये आपका है सोर्स का, तो ओ से वर्ड आता है ओवर, ओ में से ऊपर लेना है फ्रीक्वेंसी वाले में, ओ से बोल जाते हैं बाय चांस ओ ऊपर है कि एस ऊपर है, तो ओवर वाला ऊपर रखो रखो, फिर लैम्डा वाला उसको उल्टा कर दो। अब उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती है घटती है, पास आ रहे बढ़ाओ, दूर जा रहा तो बढ़ाओ, उस हिसाब से सिंबल एक क्वेश्चन कर डालो। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास चीजें क्या थी कि एक तो आगे वाला है उसको तो उसके ऊपर पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लैम्डा घटेगी, और इस वाले में पीछे से दूर जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके डिक्रीज, तो वेवलेंथ होगी इसकी इंक्रीज, बिल्कुल। तो इस हिसाब से अपन को इसके सिंबल लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लैम्डा डेस की वैल्यू, अब इस मोशन कौन कर रहा है, ये अपन यहां मानेंगे ऑब्जर्वर को जी जी, और इसको मान लें अपन ओ डेस, मान लो ओ डबल डेस, दो ये है जी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसमें आपका ऑब्जर्वर है रेस्ट में, इसको तो आप कर दो रिलीज जी। हमारे पास लैम्डा डेस जो है वो बन गई लैम्डा इनटू कितना, देखो वी प्लस माइनस का वी एस अपॉन वी, और अपन जानते हैं वी इक्वल टू है एन लैम्डा जी, तो इससे मेरे पास एन कितना होगा वी अपॉन लैम्डा, तो मैं लैम्डा के स्थान पे क्या लिखूं सर, वी अपॉन एन जी जी, तो यहां मैं लिखता हूं देखो v upon n, n v से v cancel cancel, तो अपना आंसर ये आ गया जी जी, तो v plus minus v s upon n करना, बाकी सब आपको दे रखी इंफॉर्मेशन। तो v हमारे पास सर कितनी है 330, इसकी स्पीड कितनी थी हमारे पास 30 ये लिखा था अपने, 345 इसका है और उसका v हो जाएगा 345 इसका हो गया और 30 इसका हो गया ठीक, upon n, n फ्रीक्वेंसी 500 मुझे यहाँ से मिल जाएगा 500, तो यहां से आप देखेंगे 500 से कैंसिल आउट हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो हमें मिली है ये वैल्यू बड़ी भी मिल गई और 0.75 मीटर आपको मिल गई, बिल्कुल बड़ी भी मिली। सेकंड केस में लैम्डा डबल डैश, डबल डैश के लिए हम क्या बोलेंगे, वहां पे लैम्डा यहां पे तो क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, यहां पे डिक्रीज हो रहा था, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, तो हम कहेंगे 345 माइनस 30 अपॉन में 500, और इसको सॉल्व करते ही मुझे जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 0.6563 मीटर, बिल्कुल जी। अब ऑप्शन तो इसका आंसर आपका हो गया कौन सा, फोर्थ, आगे और पीछे की बात की है तो आगे तो आपने कहा घट गई थी और पीछे बढ़ गई थी, बिल्कुल बिल्कुल 33। तो देखिए क्वेश्चन इसमें सर, ए साउंड ए सोर्स एंड लिसनर, A source and listener observer, listener are both moving towards each other with speed v by 10, where v is the speed of sound. If the frequency of the note emitted by the source is f, the frequency heard by the listener would be, तो produced कितना f करा, सुना कितना, दोनों पास approach कर रहे हैं, तो ये लो सर इसका कर दो n dash equal to n, तो हमारे पास है f, तो दोनों पास आ रहे हैं, दोनों बढ़ाएंगे frequency को, तो ये velocity plus v by 10
और ये आपका हो गया, या इसको सीधे कर दो सर मैं यहाँ पर कि v plus v by 10 मतलब 11 v upon 10 जी, और v minus v by 10 आपने क्या 9 v by 10 v by 10 से v by 10 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू है 11 upon 9 into f, ये f तो ये मिल जाएगा 1.22f, 1.22f बढ़े आगे जी सर। तो ये इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन 34। तो करें शुरू इसको सर जी सर। ये कह रहा है कि मोटर कार ब्लोइंग ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 124 वाइब्रेशन पर सेकंड, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, इससे वो वाइब्रेशन उस हॉर्न को ब्लो कर रहा है, इंटेंसिटी नहीं है इसकी, फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल बिल्कुल वाइब्रेशन पर सेकंड। ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर यानी 72 * 5 / 18 ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड जी है ना, ये बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि किलोमीटर को बदलते हैं अपन मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। Towards a tall wall, दीवार की तरफ जा रही है, the frequency of the reflected sound heard by the driver will be reflect वापस जाके वापस आना, तो इसकी भी n days हमारे पास कितना n into ये v plus v v not upon v minus v not जी जी उल्टा reversion काम करेगा वो जी जी बिल्कुल। तो सर मैं देखो इसमें तो n मेरे पास कितनी थी सर 124 okay और v हमारे पास 330 plus कितना 20 अपॉन कर दो माइनस तो कितना हुआ 310 या सही है 310 सही है बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 के अपॉन 310 आ गया, यानी आप इसको लिखें तो 144 इनटू आपका 350 अपॉन कितना 310 ये वैल्यू जो आपको मिलती है सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व करने पे 140 वाइब्रेशन पर सेकंड बढ़ेंगे जी सर। हां तो देखो क्वेश्चन सर एक बहुत ही शानदार प्रश्न, प्यारी सी प्रॉब्लम है, तो इसको थोड़ा सा अपन क्या समझना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को। ये सायरन प्लेस्ड एट ए रेलवे प्लेटफॉर्म, मान लो कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है और यहां कोई सायरन आएगा जी जी वो तो फिक्स है, इज इमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज, यानी ये कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है वो हमारे पास है 5000 हर्ट्ज। ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन, कोई मान लो ट्रेन आई, ये ट्रेन पास आ रही दूर जा रही हो, तो अपन क्वेश्चन डिमांड के अनुसार देखेंगे जी। अगर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन ए रिकॉर्ड्स ए फ्रीक्वेंसी 5.5 हर्ट्ज, इसका मतलब सोर्स तो आपका रेस्ट में है, तो वीएस हमारा कितना 0 और ऑब्जर्वर यहां पे सर है वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है, ये मोटी मोटी बात है इसमें ठीक है। अब कह रहा है रिकॉर्ड्स फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस व्हाइल द ट्रेन अप्रोचेस द सायरन ड्यूरिंग हिज रिटर्न, वापस आते समय या दूसरे इसके पाथ में इन ए डिफरेंट ट्रेन बी ही रिकॉर्ड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.0, यानी अलग वापस बड़ी फ्रीक्वेंसी से दोबारा ही पास जा रहा है अप्रोच, ऐसे में ये फिर पूछ रहा हमसे है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी टू दैट ऑफ ट्रेन ए, यानी अपने को पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में इनके ऑब्जर्वर की स्पीड है उनको अपन से पूछा गया है, तो अपन इसको कर लेते हैं सेपरेट ऐसे, तो ध्यान से इसको बच्चों बड़े समझो इस प्रॉब्लम को आप, तो ध्यान दो रहे। अब इसमें ये तो ऑब्जर्वर सॉरी सोर्स तो आपका रेस्ट में है और ऑब्जर्वर यहां पे मूव कर रहा है और अप्रोच कर रहा है, उस केस में इसकी n डेज अपन लिखें तो n डेज कितना है n into v plus v not upon v, हमको पूछा है v का रेशियो, इसको अपन ये फंसा हुआ इसको अलग कर लेते हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर, यस यस, तो हमारे पास है v plus v not is equal to v plus v not equal to हमारे पास है n डेज v upon n, n डेज v upon n आ गया, मुझे यहां से निकालना है v not, तो v नोट मेरे पास सर हो गया n डेज v अपॉन n माइनस का v v, क्लियर, और ये n डेज v अपॉन ये मेरे पास है, इसमें से अपन चाहे तो n कॉमन ले सकते हैं, v को कॉमन ले लो, v कॉमन ले लो सर, तो v और v को कॉमन लेते हैं मेरे पास वैल्यू आ गई n डेज अपॉन n, n डेज अपॉन n माइनस 1। अब किससे देखो हमारे पास है v नोट इज इक्वल टू ये बाहर है v और अंदर है क्या आपका n, s मिले तो n डेज माइनस n। अब अपने पास आगे इसकी b a और b का रेशियो हम यहां से शेयर कर लेंगे, तो हम कहेंगे v a अपॉन में v b, अब देखिए सर स्पीड साउंड की कांस्टेंट है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट होगा डिफरेंस रहेगा उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, तो हम कहेंगे a का डिफरेंस ले लो मैं n डैश माइनस n फॉर a, और यहां पे हम कहेंगे n डैश माइनस n फॉर b b, और ये जो डिफरेंस आपको दे रखा है 5 and 5.5 तो हम कहेंगे 2 रेशियो 1,
तो बी का ए सॉल्यूशन हमारे पास कितना देगा? 0.1 यस, बहुत शानदार प्रॉब्लम जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, ये कह रहा है ए कार साउंडिंग ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस एंड ऑब्जर्वर द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द हॉर्न नोटेड बाय द ऑब्जर्वर बिफोर एंड आफ्टर पासिंग द कार इज 11.11:9 यानी 11 से मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई जी जी तो 9 इफ हिज इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज बी द स्पीड ऑफ द कार इज तो हमें कार की स्पीड ऑफ उसको फाइंड करना है तो इसमें भी आपको कर देना पड़े कार साउंडिंग ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस पासिस ऑब्जर्व ऑब्जर्व रेस्ट में आपका ओ तो है रेस्ट में और सोर्स जो है कोई मान लो अपने पास साउंड सोर्स है वो इसके पास किसी भी स्पीड से अप्रोच कर रहा है फिर दूर जा रहा है फिर दूर जा रहा है जी। ऐसे केस में जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी पास आते समय और दूर जाते समय तो अपन बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं तो एन डेज सर हो गया आपका एन इंटू वी और ये वी अपॉन कितना पहले पास तो माइनस का वी एस और दूसरा अब ये सब कॉन्स्टेंट है जी 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 तो पास आ रहा है दूसरा रेशियो पर बात करते हैं सर तो मैं इसको लिख दूं ये बड़ी फ्रीक्वेंसी n डेस अपॉन कितना n डबल डेस तो दूसरे वाले केस में प्लस हो जाएगा तो ये n डेस तो कितना n माइनस का vs और ये आपका n प्लस vs अब ये फ्रीक्वेंसी बड़ी है ना सर तो कर दो उसको 11/9 बस जी जी और ये भी दे रखा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अभी इसका आंसर अपन ज्ञात कर सकते हैं तो कितना 11v माइनस का 11vs इज इक्वल टू क्या हुआ सर 9v प्लस 9vs जी जी तो अब यहां से मिलेगा 2vs 2vs इज इक्वल टू 20 2v इधर भेज दो इसको यस यस 2v इज इक्वल्स टू 20vs vs तो हमें क्या मिला 1/10 vs इज इक्वल्स टू 3/10 फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट जी ये भी एक शानदार प्रॉब्लम है प्यारी प्रॉब्लम है बिल्कुल तो ए स्मॉल सोर्स ऑफ साउंड मूव्स on a circle as shown in the figure and an observer is standing on O let N1, N2 and N2 be the frequencies heard when the source is at A, B, C respectively then तो यहाँ पे जो main जो concept होता है Doppler effect का वो यहाँ पे आपको use करना पड़ेगा जैसे मान लो अपन इसकी बात की करें मान लो हमारे पास कोई circle है और इस circle में मैं यहाँ मानता हूँ किसी observer मान लो ये observer है और कोई siren है वो मान लो इस तरह से अपन उसको करवा रहे हैं इसमें मूव करवा रहे हैं तो मैंने इसके चार पॉइंट हमारे पास मान लो ये ए पॉइंट है इसके ऊपर बी पॉइंट मान लें इसके ऊपर सी पॉइंट मान लें इसके ऊपर डी पॉइंट मान लें तो जो आपका डॉफर इफेक्ट होता है यहाँ इसकी स्पीड इस तरफ है सर ना जी यहाँ इसकी स्पीड इस तरफ है यहाँ इसकी स्पीड है इस तरफ एक अपन बात करते हैं डॉपलर लाइन की डॉपलर लाइन की बात और एक होता है इसमें परपेंडिकुलर वाला जी 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 अनुप्रस्थ डॉपलर इफेक्ट ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट जी तो इसमें मेनली होता है क्या कि डॉपलर इफेक्ट हमेशा डॉपलर लाइन के अलोंग होता है बिल्कुल और अगर ऐसे में 90 का एंगल बन जाए तो उस केस में डॉपलर इफेक्ट प्रिंट नहीं होता तो देखो एक तो इस वाले केस में इसकी यानी देखो आप यहां इसका था सोर्स ये था ऑब्जर्वर सोर्स और ऑब्जर्वर को जो लाइन मिलाती है उसको हम कहते हैं डॉपलर लाइन बिल्कुल और हमेशा जो वेलोसिटी अपन लेते हैं वो इसी लाइन अलग अलग लेते हैं इसी अलग अब इसका अपन कोई कंपोनेंट करें तो जीरो हुआ ऐसे में एक तरह से ये एक होया केस देयर इज नो एंड डॉपलर इफेक्ट जी बिल्कुल यहां जितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता उतनी उसको सुनेगी और इस वाले केस जितनी उसने प्रोड्यूस की उतनी उसको सुनेगी यानी एस यानी आपका एक तरह से बी और डी के लिए दोनों फ्रीक्वेंसी सेम आ जाएगी और यहां ये अप्रोच कर रहा है इसमें इसका ये डॉपलर लाइन अपन लेंगे इसका कंपोनेंट करेंगे यहां पे इंक्रीज होगी इस तरफ आएगी और इस वाले केस में ये इसकी डॉपलर लाइन और इसका कंपोनेंट करेंगे तो वेलोसिटी इसकी होगी अवे फ्रॉम दिस इसका मतलब ये तो पास आने का ये दूर जाने का इसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी अधिक सबसे अधिक उसके बाद ये सबसे कम ये हो जाएगी जी जी बिल्कुल ऐसे ऐसी कुछ शायद उस वाले में होगी पर वहां थोड़ी सी अपन ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्चुअली उसमें क्या फॉर्म किया जा रहा है तो जैसे देखो सर ये तो आपका हो गया ऑब्जर्वर बिल्कुल और ये तो यहां से अप्रोच कर रहा है अप्रोच कर रहा है इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर एम बी पर सोर देखो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ये कह रहा है कि ए बी सी से गुजरता है तो सुनी आवर्ती है N1 तो इसकी है जी और B की है N2 और इसकी है N3 जी अब देखो सबसे बड़ी कौन सी N2 पास आ रहा ना N2 सबसे N2 और ये देखो ये सबसे कम होगी जी जी और ये होगी बराबर उसके बनेगी तो इसका मतलब ये N3 और सबसे कम कौन सी N1 ये इसका ऑर्डर मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट करेक्ट है जी इसका आंसर कौन सा जाना चाहिए सर सेकंड बढ़ेंगे जी ओके जी सर आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे शानदार तरह से आप बता सकते हैं या मैं बताऊं बिल्कुल मैं बताता हूं तो देखिएगा इसमें प्यारी सी प्रॉब्लम दे रखी है
इधर भी मूविंग कंडीशन है, मूविंग कंडीशन है और स्टेशनरी साइरन है। साइरन जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, एक बार मैं रीड कर लेता थोड़ा। पुलिस कार मूविंग एट 22 मीटर पर सेकंड इज द मोटरसाइकिलिस्ट द पुलिसमैन साउंड इज हॉर्न 176 हर्ट्ज व्हाइल बोथ ऑफ देम मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी साइरन ऑफ फ्रीक्वेंसी 165। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इफ इज गिवन दैट ही डज नॉट ऑब्जर्व एनी बीट। इसकी 165 और ये जो प्रोड्यूस कर रहा है 176 प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपने कहा इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। अब यहां से जो फ्रीक्वेंसी इस तक मिल रही है वो फ्रीक्वेंसी अगर 176 होगी तभी ये बीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सेकंड कंडीशन ये भी हम बोलेंगे यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको भी फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, जितनी यहां से मिलेगी उतनी वहां से मिलेगी तभी बीट प्रोड्यूस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस हो रहा ड्यू टू रिलेटिव मोशन यानी अपने के रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होगी तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। तो आप कहेंगे कार और बाइक की रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व करेगा। बिल्कुल, किस कंडीशन में, जब दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब रिलेटिव डिस्टेंस कांस्टेंट करने के लिए हम कहेंगे एक सेकंड में ये 22 मीटर चल दिया तो इसको भी 22 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो 22 मीटर डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा उस समय दोनों के द्वारा ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। थ्योरेटिकली सॉल्व कर दिया, अब किसी को न्यूमेरिकली सॉल्व करना तो फॉर्मूला बच्चों के पास है, ये n dash is equals to n हम कहेंगे v plus minus v observer upon v minus plus v source, यहां से कैलकुलेट करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। बट हमें यहां पे थ्योरेटिकली अप्रोच देखनी होगी कि कब होगा डॉक्टर इफेक्ट जनरेट, कब होगा फ्रीक्वेंसी में चेंजेस जनरेट, कब होगा जब उनकी रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होगी। अब रिलेटिव डिस्टेंस ही चेंज नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर जाना चाहिए वो 22 मीटर पर सेकंड जाना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया है सर। जी सर, क्वेश्चन 39 जी, बहुत शानदार प्रॉब्लम है, ये प्यारी प्रॉब्लम सर। डॉपलर शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी, यस यस, डॉपलर शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंजेस, रिसीव्ड बाय ए स्टेशनरी रिसीवर यानी आपने ऑब्जर्वर को कर दिया है रेस्ट में, जी जी, वेदर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स इट वाज मेड बाय टू ऑफ दिस, पर एक तो एयर में है एक कौन सा वाटर है, वाटर में, वाटर। अब इसके पहले अपन बात कर लेते रियल में है क्या। देखो जैसे हमने ये कहा कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर था और ये कोई था हमारे पास एक सोर्स साउंड सोर्स और ये इसको अप्रोच कर रहा है, जी, ऐसे में इस रियल फ्रीक्वेंसी जनरेट करी उसको अपन n मान ले, तो इसमें सुनी वो कौन सी आपकी n डेस है उसका अपन बनाया फॉर्मूला, और ये मान लो किसी vs फिर से इसके पास आ रहा है तो ये बन गया n इनटू n अपॉन कितना आपका nv अपॉन कितना v माइनस vs, ये इसकी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। अभी इसकी अपन याद करते हैं डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी में, तो वो आपका इतना से डेल्टा n, उसको अपन लिखेंगे n डेस माइनस n, तो n डेस माइनस n अपन करें तो n डेस मेरे पास था सर nv अपॉन कितना v माइनस vs माइनस का n, और इसमें से अपन n कॉमन ले लेते हैं तो n जैसे अपन ने कॉमन लिया तो मेरे पास वैल्यू बची lcm कितना हो गया v माइनस का vs, और यहां हमारे पास था v तो ओनली v रहेगा सर, जी, और माइनस कितना रहा v माइनस vs, तो उसको अपन मल्टीप्लाई करें नेगेटिव से v प्लस vs हो गया, और बोलो तो वीसीवी कैंसिल हो गया, जी जी। ऐसे में हमारे पास डॉपलर शिफ्ट जो फ्रीक्वेंसी का जिसको अपन डेल्टा एन बोले तो हमारे पास आया सर एन इनटू वीएस अपॉन वी माइनस वी माइनस का वीएस। अब बस यहां से प्रश्न को अपने को पकड़ना है, पहले वापस समझो, एक तो क्वेश्चंस में जो डॉपलर जो शिफ्ट होता है या तो सर होगा फ्रीक्वेंसी में या होगा वेवलेंथ, तो हमको दे रखा था किसमें फ्रीक्वेंसी में, तो अपने उसको फ्रीक्वेंसी बना लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो हमारे पास देखा डेल्टा म्यू दैट इज ये था हमारा एन वी एस अपॉन कितना एन माइनस सॉरी वी माइनस वी एस वी माइनस वी एस ये है। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर और एक उसकी स्पीड पर, एक कौन सा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन मीडियम दैट इज एयर और अदर लिक्विड एक्सेट्रा, तो उसमें है तो अब ये एन वी एस तो कॉन्स्टेंट है क्यों सर, बिल्कुल। अब इन सब के कॉन्स्ट मतलब ये बात कि जिसमें भी ज्यादा होगी उसका डेल्टा भी कम होगा, तो अभी बस ये देखना हम लोगों को कि एयर में और मीडियम को इंट्रोड्यूस करने के बाद में किस तरह से शिफ्टिंग आएगी, क्या इस बदलाव होगा। तो अपन ये बस मोटे तौर पे कह सकते हैं कि डॉपलर शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो एक तरह से डिपेंड कर रहा है वी माइनस वी एस पर, जी। अब ये आपको देखना है बस
अब ये कांस्टेंट है, सोर्स की स्पीड कांस्टेंट है। जी जी, अब देखो हमारे पास अब साउंड वेव भी कौन सी साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है जी। अब दोनों का खेल अलग है, ट्रांसवर्स का स्पीड अलग होता है और इसका अलग होता है। अपन जानते हैं साउंड वेव जो होती है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, और अपन जानते हैं एयर के कंपेयर वाटर तो कैसा साउंड है, अधिक डेंसर है, बिल्कुल वाटर में स्पीड अधिक रहेगी, तो पानी में उसकी स्पीड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वाटर के लिए तो कम मिलेगा, और वाटर के लिए कम मिलेगा और एयर के लिए ज्यादा मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट आएगा। चलो बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, बस ध्यान रखना पड़ेगा पूछा क्या जा रहा है। जी जी, नहीं तो बच्चे खराब कर देंगे इस प्रॉब्लम को। ओके बढ़ेंगे जी, तो ये अपने लास्ट प्रॉब्लम आ गई भी, लास्ट प्रॉब्लम बहुत शानदार सी प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो इसमें कह रहा है कि सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रेवलिंग टुवार्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स इज साउंड इज ट्रेवलिंग टुवार्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो ओ तो आपका रेस्ट में है और वापिस वही बात एस इसके पास अप्रोच कर रहा है और इसकी स्पीड मान ले कितनी भाई, अपन वी एस मान लेते हैं, और हमको पता है फ्रीक्वेंसी साउंड हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज ऑफ द थ्री टाइम्स ऑफ द ऑब्जर्वर्स फ्रीक्वेंसी, में तीन गुना है, दोस्तों 3m इक्वल टू m इनटू आपका v, और ये vs से पास आ रहा ना, तो v अपॉन v माइनस vs, यस बस m से m को उड़ा दो, तो ऐसे में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ 3v v माइनस का 3vs इक्वल टू v, तो इसमें ये आ गया 2v बराबर 3vs, तो 3/2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया थर्ड जी। और इसके साथ हमारा फिजिक्स का 24th एपिसोड जिसमें हमने करीब करीब 40 क्वेश्चन लिए हैं जी, क्यों सर, और दोनों पोर्शन जो अपने वेव फर्स्ट और वेव सेकंड, इसमें अपन काफी अच्छी प्रॉब्लम 40 उसमें थी, 40 इसकी जी, जी 80 के आसपास अपन बच्चों प्रॉब्लम दे दी है, इसमें मोस्ट ऑफ द नीट के सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको इंक्लूड करवाया बच्चों को, बिल्कुल ढंग से उनको देखो प्यार से उनको अच्छे से करो आप, निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। ओके तो इसको अपन करें समाप्त, बिल्कुल मिलते हैं, थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री कृष्ण।